तुझे बताता हूँ कैसे मैं अब है दे इसमें दे तो यहाँ किसी को ऐसे बुजुर्ग लोगों की फीलिंग समझने की फुर्सत ही नहीं है, मगर मैं दादाजी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अंकल हमारे पूर्वजों की धरती को हमसे छीन लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दादाजी का आखिरी समय आ जाने दो, फिर मैं बताता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंकल चाहते हैं कि दादाजी अफ्रीका जाएं और वो घर का बंटवारा करवा दें। तुम दादाजी से कह देना कि जीसस चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया घूमें, सिर्फ त्रिशूर में आकर घूमने से क्या होगा, है ना जॉय? तो और कहाँ घूमेंगे, वैसे भी तुमसे शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। अरे मार क्यों रही हो? जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। मैं फैक्ट्री से किसी न किसी गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा। एक मिनट, मैं चेंज करके आती हूँ। hey, वो ब्लू कुर्ती पहनना, उसमें बहुत अच्छी लगती हो तुम। हाय, क्या लग रही हो तुम इस ब्लू कुर्ती में। सुनो, शाम को तुम्हें ऑफिस लेने आ जाऊं क्या? आ जाओ ना। ठीक है, जरूर आऊंगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा सुनो, मुझे जरूरत थी तो मैंने तुम्हारे अकाउंट से 5,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। ये तुमने क्या किया जॉय? वो पैसे मैंने घर के किराए के लिए रखी थी। कोट्टायम से कमाल का सामान हमारे शहर में आ रहा है। मजाक मत करो जॉय। अरे जरा सुनो तो, किराया देने की तारीख से पहले मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा, तब तक मुझे अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। तो तुम्हारा प्यार इसीलिए था, है ना? देखो कह देता हूँ, मेरे प्यार पर उंगली मत उठाओ तुम। हाँ, मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन देखना तुम ये ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा। देखना हमारी पुण्यालन अगरबत्ती लोगों के घर घर में पहुँच जाएगी। काफी टाइम से मैं यही बात सुनती आ रही हूँ। बैंक से कुरियन सर ने तुम्हें फोन किया था जॉय, तुम उनका फोन क्यों नहीं उठाते हो? अरे वो आदमी है ना, ठीक नहीं है। पिछले 4 महीने से अपनी EMI मांग रहा है। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करता जैसे कि तुम करती हो। तुम बैंक जाकर सर से मिल लो, मैंने उनसे बताया तुम अपसेट हो। पर्सनल रिस्क पे लोन दिया था उन्होंने। उनसे मिलना जरूरी है क्या? हाँ छोड़ो जॉय, मुझे पहले ही काफी देर हो गई। अरे मेरी जान, सबसे जरूरी तो ये काम है। हाँ हाँ बोलो। दादाजी की शादी ठीक तरह से हो गई? हाँ सब कुछ शानदार तरीके से हो गया। जॉय तुम्हारी अगरबत्ती सच में कमाल की थी, खुशबू भी अच्छी थी और उससे घर के मच्छर भी भाग गए। बात ये शांता बहन, हम अगरबत्ती बनाने के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग करते हैं। अच्छी बात है, फिर 5-6 पैकेट लेते आना मेरे पूरे परिवार के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन इंतजार करना होगा क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी हो गई है, वैसे ही जैसे देवसेन के साथ शॉर्टेज हुआ था। ठीक है, हमें देर हो रही है, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है, मिलेंगे। इसका रॉ मटेरियल क्या पता? मर ही नहीं रहा है। हाँ यार, ओ दिन भर खेलता ही रहता है। अरे छोड़ो ना, क्यों इनके मुंह लगना। ओजड़े चमन, जरा एक तरफ हट जाओ तो मैं निकल जाऊँ। बीच रास्ते में बैठ के खेल रहा है। काम धंधा नहीं है कि हाथी के गोबर के बिना ये कर भी कैसे। सारा का सारा दिन गेम खेलते रहते हैं और महीना हुआ कि तनखा चाहिए। ऐसा गुस्सा आता कि इनकी टांग तोड़ दूं। हर जगह यही होता है। जरा चाबी दो तो मुझे। ये लो, माँ से पूरे 500 रुपए लेकर इसमें पेट्रोल भरवाया है ताकि ओल्लूर जाकर लड़की देख सकूं। मैंने कहा था कि जॉय भी आने वाला है। आज दोपहर को वहाँ जाना है। तुम्हारे पास वो लिस्ट है ना, हाथी का गोबर कहाँ मिलता है? इसे ऐसे मोड़ के क्यों रखा? ये सारे लोग जिंदा भी हैं कि सबके सब मर गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ किस तरह के नारियल मिलते हैं? है हाथी का मालिक क्यों नहीं निकल रहा? ये क्या लिस्ट है यार, जिसमें किसी भी हाथी के मालिक का नाम ही नहीं मिल रहा। आज भी हमें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने हमें भगा दिया था। ओ गिफ्ट ऑफ गॉड, अभी तक वो लोग इसे तुम्हारा गिफ्ट ही समझ रहे हैं। देखो जॉय भाई, मैं इसका पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहा था, इसे छूना भी मत। मुझे इस गाड़ी में बैठने दो, नहीं तो धूप में जल जाऊंगा मैं।
जॉय भाई मैं इसे लेकर चलूं? अगर मैं चलाऊंगा तो आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। अरे तुम वहाँ जाकर क्या करोगे, ये बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया है, अब तो बड़े लोग भी गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर बाजू में बैठा रहता है। चल अंदर बैठ जा। भगवान, मन करता गाड़ी रिवर्स लेके इनको कुचल दूं। चलो अच्छा हुआ हमारा आवारा मालिक चला गया। वो तो गया, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चलकर बीड़ी पीते हैं चलो। हाँ बात तो तूने बिल्कुल सही कहा, चल चलते हैं। ये सारी अगरबत्तियाँ ओल्ड फैशन है, हे भगवान लोगों के दिमाग में ये बात फिर से डाल दो। ऐ सुन। हाँ भाई। ये ले उसे अच्छे से लालच देना। अच्छा। ये तेरी शादी के लिए है और ये हमारी फैक्ट्री के हाथी के जो मालिक हैं उनके लिए है। सिर्फ 20 रुपए? इतने में क्या होगा भाई? ए, अरे उसे पैसों की क्या जरूरत है, वो भगवान की सेवा में क्यों लगा रहता है? अगर ऐसा है तो हमें और उस साधु में क्या अंतर है? क्या? ये उसके लिए नहीं है। हे भगवान प्लीज सब कुछ ठीक कर दो ना। ठीक है फिर मिलेंगे। पैसे डाल दिए ना? हाँ। मेरी अंतरात्मा कह रही हमारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। पहले एक बार उस लड़की से मिल तो लेते, मैं अपना आधा कॉन्फिडेंस गंवाना नहीं चाहता। तूने उसे 5-6 बार पहले नहीं देखा है क्या? इस बार मम्मी पापा को साथ ले जाना था, असफलता से सीखना चाहिए हमेशा। ये शादी भी कोई इत्तेफाक से नहीं हुई है, जो होने वाला होता होकर रहता है। इट हैज टू हैपन, इट टू बी विली, सो डोंट गेट टेंस्ड। अब देखो ना मेरे साथ भी तो यही सब कुछ हुआ है, वो जो लड़की थी ना आज वो मेरी बीवी है अनु। जब मैं 10वीं क्लास में था ना तभी मेरी माँ मर गई थी, उसके अगले साल ही पापा भी चले गए। अगर हमारी शादी के बाद भी तुम नौकरी करना चाहती हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर फ्यूचर में खुद का बिजनेस प्लान कर रहा हूँ। तुम्हारी नौकरी से घर खर्चे की चिंता नहीं रहेगी, है ना? That's okay with me, लेकिन बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क है इसलिए तो तुम्हें पहले बता रहा हूँ। जरा अपनी हाइट देख लेते हैं। तुम्हारी कितनी है? 5'9" यहाँ खड़ी हो सकती हो, यहाँ पैर रखो। हाँ अब जोड़ी अच्छी लग रही। हाँ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इसमें क्या थ्रिल है कि पूरी जिंदगी एक ही काम करते रहो और एक ही तरह की जिंदगी जीते हुए निकल लो यहाँ से। हमें अपनी छाप छोड़ना चाहिए, है ना? और हाँ शादी के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी बनकर रहोगी, नहीं तो एक आवारा इंसान की पत्नी बनकर जीना पड़ेगा। इन दोनों में से एक तो होता ही है। अगर तुम्हें कोई ऐसी जिंदगी बितानी है जिसमें तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना है तो फिर किसी और को सेलेक्ट कर लो। मैंने अभी से सारी चीजें तुम्हारे सामने रख दी हैं। यू जस्ट रिलैक्स एंड थिंक एंड लेट मी नो द डिटेल्स। अब बहुत बड़े जीनियस हो जॉय भाई। आखिर में उसने रिस्क लिया और मुझसे शादी कर ली। उसी रात मैंने उसे सारी बात बता दी और उसे अंधेरे में नहीं रखा। सबको ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तू भी जा और उसे साफ साफ बता दे कि मैं पुण्यालन अगरबत्ती का ऑपरेशन मैनेजर हूँ, शीनू शर्मा। बस तू अपना कर्म कर ले और बाकी जो कुछ भी है वो अपने भाग्य पर छोड़ दे। लेकिन जॉय भाई पढ़ाई भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोग डिग्री और सर्टिफिकेट के बारे में पूछ लेते हैं। तू बता देना मेरे पास कुछ नहीं है। डिग्री सर्टिफिकेट से क्या होता है हा? अब बिल गेट्स कौन सा ज्यादा पढ़ा लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और वो फेसबुक जिसने बनाया क्या नाम, मार्क सुकरबर्ग, हाँ हाँ जो भी नाम है, उसने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। चल अब आ जा कार में बैठ। कॉलेज में पढ़ने को नसीब चाहिए। एक बात याद रख, अपने नसीब पे भरोसा है तो शादी में दहेज लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होके रहता है। ये कैसी बात हुई जॉय भाई? अनु बहन के पिता PWD से रिटायर हुए हैं, उन्होंने तो बहुत सारा दहेज दिया होगा ना? नारियल दिया था। ऐसी बात करके मेरा स्टेटस मत गिरा, अगर कुछ दिया होता तो मेरी आज ये हालत होती क्या? जरा सोच इस बात को कि आज मैं कहां से कहां होता। वो खुद तो अपने बेटे के साथ दुबई में बैठा हुआ मौज कर रहा है, रोड पे पड़े कचरे के ढेर में मुझे उसका चेहरा दिखता है। जॉय थकोलकरन, MBA, MSW, MS साइकोलॉजी। बाकी सब तो समझ में आया, मगर इस तरह से एक बेकार सी चीज यानी हाथी के गोबर से अगरबत्ती बना लेना, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। हाँ अरे मेरे पास पूरी टेक्नोलॉजी है कृष्णा भाई, इसका पूरा प्रोसेस होता है। पहले हाथी का गोबर लेकर उसे फैलाकर सुखा लेते हैं, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उससे अगरबत्ती बनाकर पैक कर देते हैं। श्रीलंका में जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपके पास ऐसा आइडिया लेकर आज तक कोई नहीं आया होगा, मैं पहला आदमी हूँ। पर जॉय अगर इस आइडिया से अगरबत्ती बनाए तो उसकी खुशबू कैसी होगी? बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल, इसलिए मैं अगरबत्ती लेके आया हूँ। ये है हमारा हीरो,
जला कर दिखाओ। हाँ। खुशबू तो शानदार है। जॉय अब ये बताओ कि इस बिजनेस में तुम्हें कितना फायदा होगा? हाँ, ये भी एक सवाल है जिसका मुझे जवाब देना होगा। केवल इंडिया में ही 4,000 करोड़ का अगरबत्ती का उद्योग है, लेकिन एक बात बताऊँ, हम केवल 1% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। सोचो अगर एक्सपोर्ट और बढ़ जाए तो। हाँ। पता है इसका मार्केट सिर्फ यही नहीं है, त्रिशूर में नहीं है, केरल में ही नहीं है, पूरे इंडिया में है, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका में रहने वाले इंडियन, दुबई के इंडियन, लंदन के इंडियन, सबके दिलों में यादें तो यहीं की होती है ना। जब भी कोई हिंदू मंदिर में जाता है तो सबसे पहले यही अगरबत्ती भगवान के सामने लगाकर नमन करता है। कृष्णा भाई, जय श्री कृष्ण। इसके बिना क्रिश्चियन का अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। मुसलमान लोग भी अपने पीर के पास यही अगरबत्ती लेकर जाते हैं। आपको पता है, मैं आपसे पैसा बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ हाथी का गोबर मांग रहा हूँ, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक कि ये केस खत्म नहीं हो जाता। मानवता के नाम पर दे दो ना, जैसा कि आप करते हैं जीबी भाई और जेठन के साथ। हाँ भाई, अरे तुम इसके बारे में कुछ और सोचो। अगले साल के त्योहार के लिए मेरा हाथी वहां जाएगा, ये कटालन का वचन है। हाँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, सब देख लूंगा। अपने लेटर पैड में जो बताया वही लिखना। हाँ। कोर्ट में फायदेमंद रहेगा। बाय भाई। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। तुम्हें किसने कहा कि 60 है? मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा था। फिर मैं उसे 65 दूंगा, मुझे हाथी चाहिए। मैं पहुंच गया अच्छी तरह से देख। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई, तुम तो 10 बजे आने वाले थे, अब आ रहे हो? बाहर किसी से बात करने लगा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? जरा देखो तो। बॉस, ये एक ऐसा रिक्शा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले जरा एक नजर तो डालिए इस पर, जरा गौर से देखिए। ये हमारा नया बिजनेस आइडिया है। जब यात्री इसमें बैठेगा ना तो उससे बहुत ही मजा आएगा। वो मैगजीन पढ़ते हुए सॉफ्ट ड्रिंक पिएगा तो वो क्या करेगा, खुश होकर एक्स्ट्रा पैसा देगा, और इसका नाम हम आपके नाम पर रखेंगे। साधारण रिक्शा की तुलना में इसमें कई तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ से जाओ। आप मेरी बात तो सुनिए जरा। सबसे पहले हम इस तरह के 5 रिक्शा मार्केट में उतारेंगे, उन्हें रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा करेंगे, और ऑटो की तुलना में सिर्फ 1/3 किराया लेंगे। इसके बाद ये होगा कि हमारे विरोधी भी इस फील्ड में कूद पड़ेंगे। फायदा कम हो फिर भी हम ये करेंगे, शहर में ट्रैफिक भी नहीं होगा, है ना? बात तो सही है। फिर आपके नाम के इस रिक्शे का झंडा हम पूरे भारत में लहरा देंगे। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आपके नाम का ये रिक्शा एक नई क्रांति ला देगा। इससे हम पैसा भी कमाएंगे और समाज सेवा भी कर पाएंगे। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आपका नाम चारों तरफ छा जाएगा, मुनाफा आएगा वो अलग। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो उसूलों के हिसाब से भी हमें ढेर सारा मुनाफा मिलेगा। फोकस ऑन योर वर्क, फॉरगेट द रिजल्ट, इट विल हैपन। भाई उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद मैंने लगभग 500 रिक्शे बनवाए और सबके सब कबाड़ में बेचने पड़ गए। पर ऐसे कैसे? उसने कहा था इसका मार्केट सिर्फ त्रिशूर, केरला और भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में। समझ गया, युगांडा तक का नाम उसने लिया था। धोखेबाज, मैंने तो उस पर केस भी कर दिया है फ्रॉड के लिए। अगर एक बार कोई उसके कहे में आ जाता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता, रोड पर आ जाता है। हालत कुत्ते के जैसी हो जाती है और पैसे बर्बाद होते हैं अलग। अनु कहाँ हो? जॉय। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं फैक्ट्री से निकलकर तुम्हें लेने तुम्हारे ऑफिस गया था। बता देती ना कि तुम सीधे घर आ गई हो, मैं वहाँ इंतजार तो नहीं करता तुम्हारा। कोई बात नहीं, आई एम ओके। ए, तुम्हें आराम की जरूरत है, पैर को ऐसे ही रखे रहो। सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। कैसा सरप्राइज? तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया, उसके बदले में मैं भी दूंगा तुम्हें। जॉय तुम क्या कह रहे हो? कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन एंड इमेजिनेशन। पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये मिठाई खाओ। 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। तुम्हें पता है आज के दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था? बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। ये लो खाओ। बंद करो ये सब, अपनी मिठाई अपने पास रखो, बड़े आए सरप्राइज देने वाले। प्रेगनेंसी की वजह से तुम बेहोश होकर गिर पड़ी थी ना, तो वो प्रेग्नेंट महिला कौन थी जो तुम्हारे साथ काम कर रही थी? पिछले 2 हफ्ते से उल्टी हो रही है मुझे, इसके बावजूद भी मुझे 18 घंटे काम करना पड़ता है ऑफिस में। महीने का टारगेट पूरा करने का टेंशन रहता है। तुम ये कभी नहीं समझ सकते जॉय। तुम भी कहाँ समझ पाई,
मैंने इतने सारे सपने देखे, उनका क्या? आगे से ऐसा मत कहना। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बेहोश हुई। एक तो पहले से इतना प्रॉब्लम है, और इसके बीच में अब बच्चे की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ेगी। चाहे जो हो जाए मैं रिस्क नहीं लूंगी। मैं अभी 2 महीने से ये सोच रहा हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा सो होगा। पहले तुम ये खाओ, बड़े प्यार से लाया हूँ। तुमने शादी के पहले क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? या तो बिजनेसमैन की बीवी बनोगी या तो फिर किसी आवारा की। मैं दोनों में से एक तो होगा ही। मतलब मुझे ही कमाना होगा। सिर्फ 10 दिन रुको, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, लेकिन तब तक जरा रेस्ट कर लो। जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे वो भी छोड़ दी। उसे छोड़ने से क्या मिला, कम से कम घर खर्च तो चल रहा था। ये बात तो सही है। जॉय भाई। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं ऐसे तैरत एकदम फास्ट फास्ट। अनुबेन सब ठीक तो है ना? नीचे हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी खड़ी है। एक मिनट, मैं तुम्हें देखा। तुम रेस्ट करो। अनुबेन का मूड ठीक नहीं लग रहा है। आपको दिक्कत तो नहीं है ना भाई? कैसे अंकल? हाँ सब ठीक है। वो इतना गुस्सा क्यों हो रही थी, सब ठीक है ना? देखो ऐसा है, खुशी के कारण जरा अंदर से गुस्सा फूट गया। गुस्सा फूट गया? अरे गुस्सा इतना था कि नारियल भी नहीं लिया उसने। बाप रे। अच्छा शिनू, हाँ? फर्स्ट नाइट को मैंने अनु के सामने क्या शर्त रखी थी पता है तुम्हें? मुझे क्या पता? मैंने कहा था जब हमारा पहला बच्चा हो तो हमारी बैंक में कम से कम 1 करोड़ बैलेंस होना चाहिए। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये डायलॉग सुनने के बाद उसका चेहरा बल्ब की तरह चमक रहा था। केवल आप ही ऐसा कर सकते हो जॉय भाई। कोई दूसरा अगर आपकी नकल करने की कोशिश करेगा ना तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा भाई। मैं एक बात तो पूछना ही भूल गया, मेरा डायलॉग कैसा लगा? बोल दूंगा आपकी तरह एक दो डायलॉग। आप अनु दीदी को जिसके बारे में बता रहे थे ना, मैं उसको पसंद करता हूँ। उस पर नजर है तेरी। और नहीं तो क्या? नारियल लेते डर कर रोने लगी थी। नसीब खराब था कि लड़की के बाप को मैं इंप्रेस नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, तेरे पास टाइम है अभी। शिनू तुझे पता है मैंने कम उम्र में ही शादी क्यों कर ली थी? बता जरा। क्योंकि आपका बुढ़ापा आने तक आपके बच्चे जवान हो जाए। भैंसे की तरह सोचता है। तो क्या फैमिली की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में लेना चाहते थे क्या? बिल्कुल नहीं। तब तक खुद ही बता दो कि क्या वजह थी। छोटी उम्र में शादी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता पता है? इनकेस अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होता है तो हम दूसरी शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि तब हम जवान होते हैं। सुन जरा, ये सीक्रेट किसी को बताना मत, नहीं तो लोग तुझे पागल समझेंगे। अनु डार्लिंग, तुम्हारे पास 200 रुपए मुझे चाहिए। अभी तक लड्डू वाले को पैसे नहीं दिए हैं। क्या बात है जॉय भाई। कौन है, सुधाकर हो क्या? नहीं मैं हूँ गिरी बहन। इतने अंधेरे में क्या कर रही हो? ओहो तुम हो, अभी कैसे आना हुआ जॉय बेटा? इसी वक्त तो वकील साहिबा से अच्छे से मुलाकात हो सकती है। कहाँ है वो? अभी तो वो फिल्म देखने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अकेली गई है? हाँ हाँ, मैं भी जाने वाली थी पर उसने मना कर दिया। अगर उसके साथ मुझे किसी ने वहाँ देख लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाती ना। मॉडर्न टाइम है गिरी बहन, अगर तुम्हें वकील साहिबा नहीं लेकर गई तो तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए था। चलो अब नीचे उतर जाओ बहन, ये सब करने की उम्र नहीं है आपकी। अब आराम से उतर। जीते रहो बेटा। ये पकड़िए, तुम ही से ठीक कर दो। कब से इसके लिए परेशान हूँ, ठीक ही नहीं हो रही है। अरे आप टीवी नहीं देखती हैं क्या? इस समय तो आपका फेवरेट सीरियल चल रहा होगा, बहुत एपिसोड हो गए ना उसके। आजकल मैंने वो सीरियल देखना ही बंद कर दिया। वो लोग एक ही चीज को बार बार घुमा फिरा के दिखाते रहते। अच्छा, बस रात में समाचार देखती हूँ और दिन में विधानसभा में बहस होती है उसे देखती रहती हूँ। तुम्हें हंसी आ रही है ना, लेकिन ये सच है बेटा। अरे बॉस तुम? अरे तुम मुझे बॉस क्यों कह रही हो? सुना है कि वकील साहिबा कोई फिल्म देखने गई थी। मुझे तो याद नहीं कि मैंने आखिरी बार कब फिल्म देखी थी। माँ कहती है मछली और सब्जी साथ में नहीं खानी चाहिए। छे, तुम लोग भी मछली की बातें करने लगे। मछली को तो फैक्ट्री में पकाना चाहिए था। मैं भी है ना मछली वगैरह सब फैक्ट्री में ही पकाता हूँ। ये देखो ये एकदम फ्रेश वेजिटेबल है, कोई दवा नहीं छिड़की गई। अब इन्हें समझाओ ना गिरी बहन। वकील साहिबा कहती हैं कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। आप ये तुम्हारा दोस्त है बेटी। माँ तुम अभी अंदर जाओ ना, मैं बात कर लूंगी। ले जाइए इसे अंदर। मुझे ये सब्जी नहीं खानी। आप ले जाइए। पता नहीं इसका क्या होगा। वकील साहिबा मेरा बुरा वक्त चल रहा है। मेरा भी। वो कमक थॉमस को भी अभी ही आना था, जब से आया है तब से हाथी के मालिक और उनका संग एकजुट हो गया। अच्छा हुआ। जरा इधर देखिए ना, कल वकील साहिबा को कोर्ट में चलना पड़ेगा। बाकी की फीस मैं जल्दी ही दे दूंगा। ये सारी बातें चर्च में जाके कहो। क्या जॉय ठाकुर करण जी, तुम जितना समझते हो ये केस उतना आसान नहीं है। फ्रॉड केस है। ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया था। वकील साहिबा को यही तो साबित करना है, और उसके लिए फीस के बदले में मैं पुण्याला नगरवती से जो मुनाफा होगा उसमें से शेयर दूंगा। और तब तक हम भूखे मरते रहे। ऐसा कुछ कहो जो संभव हो सके। इसकी तो मन कर रहा कि इसका गला दबा के मार दूं। कोई बात नहीं, अगर वकील साहिबा कल कोर्ट नहीं जाएंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या कहा?
कुछ नहीं, आत्महत्या की बात कर रहा था, बट आई विल डू। देखो तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो, मुझे अच्छे से पता है, मैं भी देखती हूँ। बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा आप नहीं सुन सकता। चलो ये बताओ कि कौन सी फिल्म देखने गई थी। तुमसे क्या मतलब, तुम अपनी ये सब्जी उठाओ और निकल लो यहाँ से। जब तक तुम पैसे नहीं देते मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाली। उफ, पता नहीं कैसे कैसे क्लाइंट मिल जाते हैं, मन करता है कि वकालत ही छोड़ दूं। अपनी सब्जी लेके जाना। इस समय कटघरे में जो खड़े हैं उनका नाम दिनेश है। ये बताइए आपको उन्होंने किस गाल पे मारा, बताइए किस गाल पे मारा। बाएं गाल पर। देखा योर ऑनर, पुलिस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि दाएं गाल पे मारा गया था। प्लीज सी। इस समय जो मुझे दिख रहा है उसे ढकने की बहुत जरूरत है। साइलेंस। दाएं या बाएं कहीं तो मारा गया तुम्हें। जी योर ऑनर। ओके, मिस्टर दिनेश को 2000 रुपए कंपनसेशन दिया जाए। केवल इतना ही? ए, ये सब बातें करके कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट केस। केस नंबर 301/307, वादी जॉय थोकलकरण, प्रतिवादी देवसन कमेटी के चेयरमैन रवि नायर हाजिर हो। तो क्या कहना चाहते हो थोकलकरण? मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है ऑनर, लेकिन मुझे यकीन है कि इस केस में मैं ही जीतूंगा। योर ऑनर, कुछ साल पहले मेरे क्लाइंट जॉय थाकोलकरण ने हाथियों के गोबर लेने का देवसन से परमिशन लिया था, और ये कमेटी द्वारा दिया गया परमिशन लेटर है। रीसबमिटिंग, प्लीज सी योर ऑनर। इस परमिशन के सपोर्ट के बाद एक बहुत बड़ी धनराशि बैंक की तरफ से लोन के रूप में मिली थी, जिसे मेरे क्लाइंट जॉय ने अपने पुण्यालन अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद इनकी कमेटी आई और बिना किसी कारण के परमिशन रद्द कर दिया। इसका कारण है योर ऑनर। क्या कारण है? एक के हाथी के गोबर से देवसन के लिए पुण्याला अगरबत्ती बनाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। Who told you that? क्या भगवान ने आकर बताया था? हाँ। hey, कोर्ट में जाति धर्म की बात मत कीजिए। इससे भगवान का क्या लेना देना है? इस आदमी से पूछ लीजिए, देवसन के अध्यक्ष ने हमारी पुण्याला अगरबत्ती के खिलाफ ढेर सारी अफवाहें फैला रखी है। बैंक से मेरे पास नोटिस भी आ गया था, बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ मुझसे। इस सब में मेरी क्या गलती है योर ऑनर? पिछले 1.5 साल से ये केस इसी तरह से खींचता चला जा रहा है। मुझे आज फैसला चाहिए, नहीं तो यही फांसी पर लटक कर जान दे दूंगा। यहाँ पंखा नहीं है। यहाँ नहीं, बाहर लटकूंगा। बैक टू द पॉइंट, उसी दौरान मेरे क्लाइंट को हाथियों का गोबर इकट्ठा करने के लिए कमेटी की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था। योर ऑनर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे क्लाइंट के साथ देवसन कमेटी ने जैसा बर्ताव किया उसके अनुसार इन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऑब्जेक्शन। hey, ये ऑब्जेक्शन की बात क्यों कर रहे हो? इसमें गलत क्या कहा इन्होंने? ये पुराना लेटर देवसन कमेटी की तरफ से है ना, इसमें लिखा गया है कि अगर हम उसे हाथी का गोबर नहीं देंगे तो देवासन कमेटी उसके बदले में उसे उतना रुपया देने के लिए तैयार है। इसको कुत्ते का गोबर दे दूंगा। अच्छा, ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं है, हाथी का गोबर ही देना है, कुत्ते का गोबर नहीं। इसमें लिखे हुए शर्तों के अनुसार अगले महीने की 5 तारीख से जॉय थाकोलकरण को हर हफ्ते हाथी का गोबर देना ही होगा। आज के बाद हर सोमवार को जॉय देवासन के हाथी का गोबर ले सकता है। आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? ले सकता हूँ, अब एक भी शब्द बोले तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, ये मेरा फैसला है। नेक्स्ट केस। क्या अपनी बात फाइनल हो गई बॉस? बहुत जल्दी कर लूंगा, आजा। लास्ट 5000, यस और नो? पहले अन्नाकुलम जाना होगा, फिर रिंज कुंदा जाना होगा, फिर देवसन के लिए निकलना होगा। पूरे 3 दिन का ट्रिप है बॉस, ऐसा कैसे होगा? इसमें 3 दिन किसी भी हालत में नहीं लगने वाले हैं, 1 दिन में काम हो जाएगा। अरे एक दिन में कैसे होगा बॉस? बहुत ही सिंपल है, यहाँ से तुम रात भर में नेदुबसरी पहुँच जाओगे, बिल्कुल, फिर वहाँ माल लोड करना और यहाँ जाना, ठीक है, फिर यहाँ माल खाली कर देना, ठीक है, इसके बाद में 7 चाय पियेंगे।
चाय पीने के बाद तुम तरोताजा होकर यहाँ से सीधे निकलोगे देवसन के लिए। हाँ। वहाँ जाकर हाथी का गोबर लोड करोगे, फिर यहाँ का चाय पियोगे, ठीक है, हो जाएगा। फिर एरेंज कुंदा के लिए निकलोगे, वहाँ माल लोड करोगे, यहाँ आकर उतार दोगे। हाँ। बस लेकिन फिर चाय, अगर चाय पीना चाहते हो तो घर जाके पी सकते। देखो अब दिखाई नहीं देता क्या किधर आदमी खड़ा है? इसकी वजह से नहीं दिखा। जॉय भाई एक बात बोलूं, आज 30 तारीख है ना, तो हम लोग कल देवसन का सामान नहीं उठा सकते हैं क्या? 4 तारीख को आखिरी दिन है, क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए? तो अपना मुंह बंद कर कुछ भी बोलता है। एक ट्रिप देवसन के लिए, फिर एक ट्रिप पैकिंग के लिए, तब तक 4 तारीख आ जाएगी। कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खसक गया ना? तब तक गोबर ज्यादा जमा हो गया। इसमें दिक्कत क्या है? 4 तारीख तक मुझे देवासन से गोबर लेना है। अगर हम दोनों ट्रिप एक साथ करेंगे तो हमें 10,000 का मुनाफा होगा, समझे कि नहीं? अब इतने सारे कचरे का क्या करूं? लाओ इसमें डाल दो इसे, जाओ वहां ले जाकर फेंको इसे। बॉस सुनो ना बॉस, बस अब एक रात में ना कुलम के लिए जाता हूँ, अगले दिन फिर यात्रा करना बहुत मुश्किल है। पहले से अच्छा ये बात है मिस्टर अभय कुमार, अभी तुम्हारी जवानी उफान पर है, इस उम्र में अगर इस तरह आलस करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि ये यात्रा 3 दिन में होगी, जो कि 1 दिन में होनी चाहिए, समझे कि नहीं? अगर ऐसे ही सोचते रहे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम। अगर ये ट्रिप तुम कैसे भी पूरी कर लेते हो तो इस फैक्ट्री में तुम्हें रेगुलर काम मिलेगा, समझे कि नहीं अभय कुमार? अगर मुझे रेगुलर ऐसे करना पड़ा ना तो बिस्तर पकड़ लूंगा। अभय जी मैं तुम में इंसान के गुण नहीं बल्कि मशीन के गुण देख रहा हूँ। जैसे ही मशीन में चाबी लगाते हैं वो दौड़ने लगती है, लेकिन अगर हम स्लो हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, समझे कि नहीं? ये बात ध्यान रखो। फरमाइए जाइए। देखा कैसे दांत दिखा रहे हैं? ये दोनों एंग्री बर्ड्स हैं, एंग्री बर्ड्स। नाक पे गुस्सा। अरे सुधाकरण के बारे में बात कर रहा था, तुम जाओ अपना काम करो। ये क्या बज रहा है? तुम लोग जाओ अपना काम करो, सुनाई नहीं दे रहा, फोन बज रहा है। बेवकूफ कहीं के, काम छोड़कर बात बना रहे। तुम एक मिनट रुको। उस लड़की ने नेता के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। उस लड़की का कहना है कि उस नेता के गुंडे हमेशा उसका पीछा किया करते थे। यहां बच्चा होगा ना तो हम उसे ऐसे समाचार नहीं देखने देंगे। लेकिन क्यों? बच्चे बिगड़ जाएंगे। पहले के टीचर बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे, आज के बच्चे डरते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, बस पूरा पूरा दिन बैठकर टीवी देखते हैं, और टीवी वाले भी सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं। टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओ 100 साल तक जिएगा, इसे याद कर रहा था, इसका फोन आ गया। हाँ बोल शीनू। अच्छा तो ये बात है। हाँ हाँ खिलाए बिना लेकर मत जाना। अरे जरा म्यूट करो ना। हाँ सीधा फैक्ट्री आ जाना, मैं अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाऊँगा। माल जल्दी से जल्दी मुंबई पहुँच जाए, इस बात की टेंशन हो रही है। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। सब कुछ ठीक हो रहा है जॉय, फिर टेंशन की क्या जरूरत है? ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है ना। कल सुबह होते ही देवसन से माल भी मंगवाना है, वो भी एक टेंशन है। इन 2 सालों में 4 करोड़ का टर्न ओवर हो गया है। अनु सुनो, इतना रुपया गिनते गिनते मर जाओगी। जॉय जरा न्यूज देखो, कल से हड़ताल है। ए भगवान कल हड़ताल है? आवाज खोलो ना। आरआईपी नेता प्रकाश जैन और एडीबी के नेता संजय की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद कल देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिससे जनता सहमी हुई है। मुसीबत आ गई और एडीबी के सपोर्ट अब में क्या करूं, किसी भी कीमत पे हमें माल मंगवाना था। टेंशन मत लो जॉय, माल हड़ताल खत्म होने के बाद मंगा लेना। देवसन का देश तुम्हारा बाप है, जो बाद में गोबर दे देगा, जाकर बैठो। हड़ताल की वजह से आम जनजीवन पे बहुत असर पड़ेगा। विपक्ष भी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अच्छा सर बताओ मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल माल नहीं मंगवाता हूं तो देवसन का अध्यक्ष क्या करेगा? है सुनो, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसी वक्त फैक्ट्री जाऊं क्या? जॉय अभी फैक्ट्री जाने से क्या फायदा, तो यहां बैठकर क्या मिलेगा? 1.5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगी। मैंने कितना खून पसीना बहाया है, तुम तो सिर्फ एंजॉय करने में बिजी थी ना। पता नहीं गाड़ी की चाबी कहाँ है, मिली नहीं रही है, कहाँ है? भगवान तुम नहीं चाहते कि मैं ये सब करूं? तेरी तो, ये गाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा तेरा। मेरे गाने से दिक्कत है, आज तो मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। जॉय भाई सुनने में आ रहा है कि हड़ताल काफी भयंकर होने वाली है। तो मैं क्या करूं, मैं भी मर जाऊं क्या? बस मैं भी इस गाड़ी की तरह मशीन हूं ना, क्या करूं? कल हड़ताल है ना तो गाड़ी की तरह मैं भी नहीं हिलने वाला, ये गाड़ी ही मेरी रोजी रोटी है, तो कल इसके साथ मेरी भी हड़ताल। अगर यहाँ गोबर होता तो हमें कुछ नहीं सुनना पड़ता। जॉय भाई उस प्रेसिडेंट से फोन पे बात कर लो ना। ये जरूरी है क्या? बात करके पूछो, पूछो कि वो क्या कह रहा है,
उसके बाद ही तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं ना। हेलो हेलो, कैसे हैं सर? कौन बात कर रहा है? वही गरीब लड़का जॉय है। क्या कहा? पोपट जॉय? नहीं, पोपट जॉय नहीं, गरीब जॉय, जॉय थोकल करण। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, कल रवि सर के लोगों ने हड़ताल रखी है, मैं उसी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और जैसा कि एफसी वालों ने गलती की है वैसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। साहब बताओ क्या बात है? रवि सर, मैं उनकी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम कल देवासन में गोबर उठाने नहीं आएंगे, लेकिन परसों सुबह होते ही सारा गोबर उठा लेंगे। तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो? नौटंकी? रवि सर आप क्या कह रहे हैं? चुप रहो। कल शाम को 6 बजे तक आकर गोबर ले जाना है, उसके बाद अगर तुम यहाँ आओगे तो मार मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगा। लेकिन रवि सर अभी क्यों नहीं, मैं अभी आ जाऊँ? कैन आई कम नाउ? इतनी रात को तुम्हारा बाप देवसन में बैठा है क्या जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा? सुनो, कल हड़ताल है। लेकिन मंदिर के लिए कोई हड़ताल नहीं होती, और हाथी के गोबर के लिए भी कोई हड़ताल नहीं है। हेलो रवि सर, कुत्ते ने फोन काट दिया। क्या हुआ जॉय भाई? कमीना है, एक नंबर का कमीना। उफ, अगर कल तक सामान लोड नहीं किया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर ये तानसेन की औलाद मान गया तो काम हो जाएगा। तो पटाओ ना उसको। अबे तुम इतना अच्छा कैसे गा लेते हो? हाँ, संगीत सिखाया कहीं? यात्रा अच्छी रही ना? क्या खा के यात्रा अच्छी रही? खाना भी नसीब नहीं हुआ। खाना भी नहीं दे सकते थे तुम अभय को? खाने पीने पर ध्यान दो, कल मैं भी टिफिन नहीं लाऊंगा, कहीं होटल में साथ बैठकर खाएंगे। कोई जरूरत नहीं, कल मैं माँ के साथ घर पे ही खाना खा लूंगा, वैसे भी कल स्ट्राइक है, गाड़ी तो जाएगी नहीं। देखा कैसे बच्चों की तरह बात कर रहा, बोल रहा गाड़ी लेकर नहीं आएगा। जरा इधर आ तो। सुनो भाई, तेरे जॉय भाई के लिए ये जिंदगी का सबसे निर्णायक समय चल रहा है, या तो इस पार या उस पार। तुम एक काम क्यों नहीं करते, आज रात को यहीं सो जाओ और कल सुबह देवासन चले जाना। मुझे काम नहीं करना भाई, आप किसी और को काम पे रख लो। अरे अभय, इतनी रात को भला मैं किसी दूसरे को कहां से ढूंढ के लाऊं? जॉय भाई चिंता मत करो, कोर्ट ने हमारे पक्ष में एक फैसला दिया ही था ना, एक दिन देरी हो जाती है तो हम कोर्ट की बात कहकर उन्हें मना सकते हैं। हम उन्हें पिछले 1.5 महीने से मना ही रहे ना, गधा कहीं का। अबे मेरे भाई, मेरी मदद करो ना, कल 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 माल लेने चले जाओ। अरे खड़े क्या हो, इन्हें मनाओ ना। आपका नाम अभय कुमार जी है ना? अभय मतलब जो डरता नहीं, तो बिना डरे एडजस्ट कर लो। हमें बचा लो यार, कर लो ना एडजस्ट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बचा लो ना हमें। थैंक्स, मेरे तुम मेरे काले मोती हो। ये लोग गोबर पे कपड़ा बिछा के कैसे सो जाते हैं? हाँ देखो ना कैसे सोए पड़े हैं। ये नारायण भाई है। हे भगवान, किसी ने मेरा सारा गोबर जला दिया है। नारायण भाई, मेरा सारा गोबर किसने जला दिया? भाई मच्छर काट रहे थे, गोबर जलाने के अलावा और क्या चारा था, दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता नहीं था। व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग, ये सब करके आराम से सो रहे हो? चलो उठो, ये मेरी रोजी रोटी है। तुम इसे खाते हो क्या? अरे भाई आप चिंता मत करो, हम इसे भी लेकर चलेंगे। पहले इन्हें उठा और ये सामान हटवा। हाँ अभी हटो, चलो जल्दी करो, चलो उठो। तुम्हें घंटी बजाने के लिए लाया क्या सुधाकर? बॉस आज पूरा शहर में हड़ताल है, हड़ताल में हम लोग ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? एंग्री बर्ड्स, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है चलो, ऐसे में काम करवाओगे, यही हाल होगा। नारायण भाई आप वहाँ जाइए ना, यहाँ मत सोइए, यहाँ सोने से आप बीमार हो जाएंगे, अगर मलेरिया हो गया ना तो लंबी लंबी सुई लगेगी। आप बैठे क्या, उठ जाओ। लुंगी खुल रही है, संभालो से। मेरी खुल रही है, तेरी थोड़ी खुल रही है, अपनी संभाल। शॉर्टकट वाले रास्ते से चलूं क्या? उधर से क्यों, नदी वाले रास्ते से होकर चलो ना। अरे उधर पार्टी वाले तंग करेंगे। ये देख रवि इडियट भी आ गया। रवि भाई हड़ताल है पर तुम मंदिर में पूजा करते रहना, हम सामान ले जा रहे हैं। देखो कैसे मुंह बना लिया, कल इसी ने मेरा फोन काटा था। अपना फोन देना जरा। भाई तुम चुप नहीं रह सकते हो क्या? यहाँ हम लोग टेंशन में मर रहे हैं और ये मेरा गाना गा रहा है। अब तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है भाई, सिर्फ 2 किलोमीटर के बाद हमारी फैक्ट्री आने वाली है। जॉय भाई इस गोबर के लिए मैंने ठुला भरम को वादा किया था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा शिनू। सुधाकर, सुधाकर ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है ना? गोबर की बहुत बदबू आ रही है, हम सो नहीं पा रहे। सोना नहीं तो टपक जाओगे नीचे। ठीक है।
जॉय भाई उधर देखो, पार्टी के आदमी लोग खड़े हैं। वो देखो वो लोग आ रहे हैं। बहुत मुसीबत आने वाली है। अब एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ। मैं एक्सीलेटर नहीं दबाऊंगा, वो लोग मेरी गाड़ी तोड़ देंगे। देखो सामने, देखो ना सामने खड़े वो लोग, मैं कैसे एक्सीलेटर दबा दूं? अरे स्पीड बढ़ाओ, मैंने कहा ना, चलो जल्दी करो दबाओ। ओ एक्सीलेटर मैं दबाऊंगा, मेरे हाथ से भगाओ। उस गाड़ी को रोको, आगे नहीं जाना चाहिए। आखिरकार पहुंच गए। बॉस क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहा था वहाँ? रुकने के बजाय हाथ से एक्सेलेटर दबा रहे थे। कुछ हो जाता तो वहाँ रुकते तो समस्या खड़ी हो जाती। अब देखो ना, यहाँ सब सुरक्षित आ गए ना, जाओ जाकर दरवाजा बंद करो। देखता हूँ कितना माल गिर गया। चल अब है, गेट जरा जरा गेट बंद कर दे। चल एक बात बताओ, वो जो गोबर वहाँ गिर गया था, हम उसे जाकर वापस ला सकते हैं क्या? बॉस तुम खुद ही जाके उठा लो, जब तक हड़ताल चल रही है मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस गाड़ी से ही मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। अरे मुझे तुम्हारी ये गाड़ी नहीं चाहिए, ये बात तुम पहले भी कई बार कह चुके हो। चलो 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 माल उतारो, चलो चलो। अरे टोकरी भी ले आओ। छोटा सा काम क्या कर दिया, सर पे चढ़ गया। माल सही तो है ना? फ्रेश है। हड़ताल में तुम लोगों ने गाड़ी नहीं रोका। तुझे बताता हूँ भैसन, अब है तेज में दे तो। ये सब गोबर और एक आदमी की वजह से हुआ। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम कब आई वकील साहिबा? अभी आई हूँ। अनु सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा, दिमाग पे चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कल डिस्चार्ज कर देंगे। वक्त को देखते हुए जॉय के खिलाफ पर्यावरण विभाग ने सिर्फ एक मुकदमा ही दायर किया है। हाँ लेकिन आगे चल के ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अरे लेकिन मेरा पर्यावरण से क्या लेना देना है वकील? हड़ताल वाले दिन रोड पे तुमने हाथी का गोबर जो फेंका था, ये कोई छोटा अपराध है? मैंने वो गोबर नहीं फेंका था, वो अपने आप गिर गया था, और थोड़ा ही तो गिरा था। सही, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में कुछ नहीं होगा, बैंक से जब्ती नोटिस आ गया है, हमें जो भी करना है अभी ही करना होगा, इसलिए बात कर रही हूँ। जब्ती नोटिस? वकील ये तुम क्या कर रही हो? सारे संकटों को एक साथ ही आना था। ए भगवान, मेरे बाकी सारे लोग कहाँ हैं? ए भगवान, ये तो सब यहीं पर है, लगता है इनकी बहुत पिटाई हुई है। जॉय भाई, हाँ ये कैसे आकाशवाणी है? कहाँ? मैं यहाँ हूँ जॉय भाई। अरे बेटे तुम आराम से सो जाओ ना, डॉक्टर ने तुम्हें फुल रेस्ट करने के लिए कहा है। आराम पहले आओ, पी लो। हाँ सुनो, मेरे हिसाब से बैंक केवल तुम्हारी कंपनी को ही जब्त कर सकती है। बैंक तुम्हारा सामान लेके जाए, उससे पहले उनका बकाया भर दो। ऐसी बात मत करो जिससे मेरा हार्ट फेल हो जाए वकील, अगर मेरी फैक्ट्री चली गई ना तो मैं तो मर ही जाऊंगा। वकील मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ। मेरे हिसाब से तुम्हें करना चाहिए हाँ, पिछले महीने जब हड़ताल हुई थी उस दिन पार्टी वाले ने कपड़े की दुकान जला दी थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उनके खिलाफ कुछ लोगों ने केस कर दिया। फिर क्या हुआ? अरे बॉस मेरी गाड़ी। अब है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं वकील से बात कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? ठीक है, अब तो भगवान ही मालिक है। हाँ तो कपड़े की दुकान जला दी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ
उसके बाद पार्टी को 2 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ा। अगर हम भी फैक्ट्री में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके खिलाफ मुकदमा कर दें तो हमारी जब्ती रुक जाएगी? बोलो। ज्यादा उम्मीद तो नहीं है मगर बॉस मेरी गाड़ी। मेरे प्यारे अभय अभी आंसू मत बहाओ, अभी मुझे सोचने दो जरा। उफ, अभी मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए ग्रेसी। हाँ बिल्कुल। जब दादाजी और दादी जी अफ्रीका जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी वहाँ साथ में जाने का प्लान कर रही है। अच्छा सच में? हाँ, बोलो ना। हाँ। देखो हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते वापस आ जाएं। वाह। देखो बेटा तुम्हारे अंकल सनी और पॉल को मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया। पॉल अब अपने घर में रहता है और तुम्हारा भी अपना फ्लैट है। मैं भाड़े के फ्लैट में रहता हूँ दादाजी। कहने का मतलब यही है तुम भी तो यहाँ के बजाय दूसरे घर में रहते हो, इसलिए तो हमने इस घर को बेचने का फैसला किया है। बेलानी वाले रॉय ने इसकी एक कीमत भी लगाई है, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए हमें फैसला कर लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो पॉल, तुम्हारा क्या विचार है जॉय? दादाजी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एंजॉय करना चाहिए। पैसे जमा करके क्या होने वाला है, एक दिन तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। उसके बाद पैसे की क्या कीमत रह जाएगी, तो मैंने और ग्रेसी ने मिलके कुछ और प्लान बनाया। और हमारा प्लान ये है कि आने वाले क्रिसमस पे हम लोग यूरोप ट्रिप पे जाने वाले हैं। इस घर को बेचने पर हमारा हिस्सा हमें मिलेगा ना? मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ इस वक्त, ये घर ही मेरी आखिरी उम्मीद है। दादाजी आप मेरी मदद कीजिए ना। जिंदगी में कठिन समय में डट कर मुकाबला करो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरी जिंदगी भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, पता है तुम्हें? बात यह है दादाजी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिजनेस करने वालों को ये पता होना चाहिए कि दुनिया में चुनौतियों से कैसे निपटना है। अभी यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, तो इसमें किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। हमें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, बताइए ना। पूर्वजों का घर कितने का होगा, करोड़ों की कीमत होगी इसकी। जो खरीद कर नारियल पानी पीते हैं उन्हें क्या पता नारियल कैसे उगाया जाता है। खैर जो भी हो मैं दादाजी के साथ खड़ा हूँ। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, घर पापा के नाम पर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पापा की इस उम्र में शादी करा के तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, अब देखो क्या हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। जॉय बेटे तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे ना, अब देख लिया ना, न तुम्हें कुछ मिला ना मुझे। चुपचाप निकल जाते हैं उसी में भलाई है। हाँ चाबी देना। तो जॉय बेटे तुमने मुझसे जो 8 लाख रुपए लिए थे वो तुम्हें याद है ना? हाँ वो बात मैंने स्टाम्प पेपर पे भी लिख दी थी ना। इससे पहले कि तुम मेरा पैसा हजम कर जाओ मैं वो पेपर लेकर तुम पर केस करने जा रहा हूँ। तुम्हें अगर उम्मीद है कि इस घर में से तुम्हें कुछ मिलेगा तो अब वो उम्मीद छोड़ दो, तुम्हें इस घर में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाय, तो हम लोग कोर्ट में मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो जॉय मुझे पैसे की जरूरत है, चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन की सरकार बदल गई तो हमारी दुकानदारी भी खत्म हो जाएगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो चलता हूँ। हाँ हे भगवान, जॉय भाई अब तो अभय कुमार भी आ रहा है। हे भगवान उससे कह दो कि 2 दिन बाद मेरा अंतिम संस्कार होने वाला है। आओ बैठो भाई, बैठ जाओ। कोई बात नहीं बॉस, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। घूमते घूमते इधर आ गए हो क्या? ये गिरीश ने दिया है काम का बिल। गाड़ी में जितना खर्चा होगा ये उसका बिल है। उसने बोला कि 10,000 रुपये एडवांस दो फिर वो काम में हाथ डालेगा, पैसा आपको देना होगा बॉस। मैंने तुम्हारा हॉस्पिटल बिल दिया था ना भाई। अरे बाप रे। उसमें मुझे क्या मिला बॉस, बिना गाड़ी के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
अब मैं क्या करूंगा बॉस? इस तरह रोने से क्या होगा, अभी तुम जाओ और कल आ जाना, कल कुछ बताता हूँ। कल आओ का क्या मतलब? कल काम हो जाएगा ना? कहीं फिर से रोना शुरू ना कर दे। हाँ, जॉय भाई ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। चलो भाई भाई, अब जाओ यहाँ से। ठीक है बॉस, आपकी राशि कौन सी है? अब है प्लीज, तुम अभी जा सकते हो। अरे आपका काम हो जाएगा, जाओ ना, चलो जल्दी जाओ। आप परसों इसे 10,000 रुपए कहाँ से ला कर दोगे जॉय भाई? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम उन पर केस कर दें क्या जॉय भाई? पार्टी के खिलाफ क्या? दूसरा कर भी क्या सकते हैं? ये बहुत बड़ी गलती होगी जॉय। इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई उम्मीद होती है। केस कर दूंगा तो तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी? बोलो, हमेशा मेरे साथ दोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जॉय। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ जॉय भाई, अच्छे काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। वैसे भी एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने मुझे बहुत डांटा, फिर भी मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ जॉय भाई। जिंदगी में कभी कभी बुरा समय आता है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे भाई। पुण्याला अगरबत्ती हम वापस बनाकर दिखाएंगे, हमें सफलता मिलेगी। पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है केस कर देने के बाद। अगली 20 तारीख को कोर्ट ने सुनवाई की पहली तारीख दी है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यही तो बात होगी ना? वो सब मैं नहीं जानता हूँ जॉय। हाँ, तुम्हें पार्टी से मुआवजा मिले या ना मिले, भाई लोन तो चुकाना पड़ेगा ना। सर आप मुझे सिर्फ 3 महीने का वक्त दीजिए, मैं लोन चुका दूंगा आपका। अगर 3 महीने में मैंने आपका लोन नहीं चुका तो आप जो चाहें जब्त कर लीजिएगा। अरे तुम बात को नहीं समझ रहे हो जॉय। मैं समझ सकता हूँ सर, आपको बता रहा हूँ कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। सर बहुत पहले त्रिशूर में एक आदमी ने मैं पैसा लगाया था ताकि लोग चैन से सो सकें, अब वो लाखों रुपए कमा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। हमारी पुण्याला अगरबत्ती भी आने वाले समय में इतना इतना पैसा कमाएगी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। नीचे हैं सर। हाँ कुरियन सर, सर 3 महीने क्या कर रहे हो? कोई उपाय निकाल लेंगे। हाँ। तुम बाहर आ जाओ। हाँ सर। अरे यहाँ से आपने कह दिया मतलब काम हो जाएगा। उसके पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। अरे उसने 3 महीने का वक्त तो दिया ना। हाँ, वो तो है। जरूरत के वक्त बाप भी पैसा नहीं देता, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो वी हैव टू यूज टाइम वाइजली। समझ गया ना? बैग लाया। जॉय भाई अगली मुसीबत सामने है। आज तो उससे मिलके ही रहूंगा। उसे समय दिए हुए 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया है भाई। हे भगवान, उसने तो हमें देख लिया। चलो यहाँ से 9:00-11:00 हो जाते हैं। उससे बात करता हूँ ना। जॉय सर। अरे वो जॉय भाई नहीं, कोई और है। नहीं नहीं वो वही है। क्या होगा? जॉय सर। ओ अरे मैं अभय कुमार हूँ। तो पीछे चला रहा है। मुझे देख के क्यों भाग रहे हो? ओ ये ओलंपिक एथलीट तो पीछे ही पड़ गया। भाग जॉय भाग। ये तो बहुत तेज भाग रहे हैं, मेरा तो पैर भी सपोर्ट नहीं करता। चल निकल यहाँ से जॉय, जल्दी कर। अरे मैं अपनी गाड़ी के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे रुको दो, आपकी वजह से मेरी गाड़ी बर्बाद हो गई। ऐसी हालत में भी कैसे दौड़ रहा है? कैसे दौड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के इस दौर में एक राष्ट्र की क्या अहमियत रह गई है, यही बताने के लिए आज हमारे नेता लोग इस तरह के सांकेतिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हुए हैं। और यही एक उचित तरीका है बीटी वैगन में जो इस समय साजिश चल रही है उसे आप सबके सामने उजागर करने का। आज हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारी जनता चाहती है। नौजवान हमसे जुड़ने के लिए हमारी ओर आगे आ रहे हैं। अभी अभी आए इस नौजवान के माध्यम से मैं आप सभी नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमसे जुड़ें। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान कितने गंभीर हैं। इन नौजवानों का हमारे प्रति झुकाव देखकर मुझे ये पूरा यकीन है कि हम कामयाब हो रहे हैं और इसके लिए हमारी पार्टी आप सभी की आभारी रहेगी। मैं आज आप लोगों के सामने ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश के नौजवानों ने कई छोटी छोटी अपनी यूनिट्स बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज सुनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां कहाँ पहुँच गई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम इन नौजवानों के सहयोग से अपने देश को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहाँ से उसे वापस लौट कर नहीं जाना पड़ेगा।
हमारा देश। तुम ज्वाय थोकल करण हो ना? हाँ। मैं केएफसी यूथ विंग का सेक्रेटरी हूँ उल्लास मोहन। तुम जरा इधर आओ, कुछ काम है। तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरी पार्टी में हो, सीबू तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है? धरना दे रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो दूसरी पार्टी के लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। जानते हो जाए, दरअसल मैं तुमसे कई दिनों से मिलना चाहता था। किस बात के लिए? रूलिंग पार्टी के खिलाफ जब तुमने केस किया था तब हमने ही उस पार्टी के सपोर्ट में हड़ताल किया था। हाँ। लेकिन अब हम लोग एक ही पार्टी के हो गए हैं ना, तो कल से जो तुम्हारी हेयरिंग है उसमें केएफसी का पूरा समर्थन तुम्हें मिलेगा, चिंता मत करो। तुमसे बात सुनकर बहुत खुशी हो रही। पर तुम्हें भी हमारी कुछ हेल्प करनी होगी। क्या? तुम्हें पार्टी फंड में छोटा सा डोनेशन करना होगा। चुनाव होने वाला है, तुम्हें तो पता ही होगा। जीतने के बाद हम तुम्हारा पूरा हेल्प करेंगे। हाँ। और तब हम जो कहेंगे वही कानून होगा। कितना डोनेशन देना होगा? सिर्फ 2 रुपया। ये अमाउंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्या मतलब? समझ नहीं पा रहे हो क्या? 2 लाख रुपया। बैग भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। कल फैक्ट्री में आ जाऊंगा। ठीक है, तैयार रखना। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। जब तुम सब लोगों को पता है कि कल मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ तो पॉल क्यों नहीं आया मिलने अब तक? और कल तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ रहे हो ना? नहीं, कल कोर्ट में हमारी पेशी है। केस में सब ठीक हो जाएगा? अरे सोच कर रहे हो, लो पियो। हाँ। तुम्हारी समस्या हाथी का गोबर है ना, इसका सलूशन है मेरे पास। कैसे? अयप्पन नाम का मेरा एक पुराना साथी यहाँ रहता है। वो पहले थिरसुर में रहता था। वो महावत था तो वो चाहे तो कहीं से भी तुम्हें गोबर दिलवा सकता है। तुम अयप्पन को फोन करो। वो क्या है, अभी मेरी दिक्कत हाथी का गोबर नहीं दादाजी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ग्रेसी कमिंग डियर। आते समय बॉक्स लेती आना, मैं सब सही कर दूंगा। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम खुश हो ना? अरे बोलो तो। लो लो पियो पियो पियो। हाँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दादाजी। मुझे भी पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम बस खुश रहो। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। हाँ। मैं आपको बहुत मिस करूंगा दादाजी। हाँ। ये लीजिए। थैंक यू। ये लो। थैंक्स। खोल कर तो देखो। तुम्हारी दादी इसी माला से प्रार्थना करती थी, अब इसे तुम्हें सुरक्षित रखना है। और अब मुझे उसकी यादों से छुटकारा मिल गया है। जब भी तुम चर्च जाओ ना, इसे साथ लेकर जाना। मुझे पूरा भरोसा है जॉय, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे, ये हमारा आशीर्वाद है। बेटा अगर तुम हमारे साथ नहीं होते ना तो ग्रेसी जैसी परी मुझे कैसे मिलती? अब बहुत बोलते हैं। ये परी नहीं, भूतनी है। अब मैं जा सकता हूँ दादाजी? इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, ये शानदार सरप्राइज है। आप लोगों को कल मैं जाकर एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा। अरे आप रह कहाँ गए थे जॉय भाई? चलो जल्दी चलो, कोर्ट में केस की शुरुआत हो चुकी है। एयरपोर्ट चला गया था दादाजी को छोड़ने के लिए। भगवान करे वो वहीं पे गिर के मर जाए, पीछा छूटे उनसे। स्टेट कमेटी तक बात ना पहुंचे, बाकी ये देख लेंगे। जॉय भाई सारा उधर देखो, आप समझ गए ना? वो मोटा आदमी जो दिख रहा है ना, उसका नाम है केसी मैथ्यूज, आरआईपी का त्रिशूर जिला सेक्रेटरी है। वो हमारे केस का मुख्य प्रतिवादी है, और ऐसा सुनने में आया है कि आरआईपी पार्टी की तरफ से इस चुनाव में यही खड़ा हो रहा है। जीत गया तो त्रिशूर का मेयर बन जाएगा, उसके बाद तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने इसे टीवी पर देखा है। उसके बगल में जो है ना, वह है दूसरा प्रतिवादी, आरआईपी पार्टी का जिला प्रेसिडेंट पापन सिंह। शेर? हाँ वो भी शेर ही है, दिखता तो चूहा है। और वो लंबा आदमी एडीबी जिला का प्रवक्ता है नंदन कविश्वर। उसकी लंबाई देखकर डरो मत, किसी काम का नहीं है वो। उन लोगों के साथ जो वकील खड़ा है ना, वो है हसन मलिक। तुम लोग चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। दम तो नहीं है लेकिन डराते तो हैं ही। वो लोग हमें पैसा देंगे क्या? नहीं। तो फिर चिंता करने से क्या होने वाला है? अरे हाँ, तो सब पहुंच गए यहाँ? क्या हाल है केसी? 12 बजे के उद्घाटन में गया था। अच्छा, वही खत्म करके आ रहे हो? अभी खत्म हुआ है।
हाँ, तो थाकोलकरन अब तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे बस न्याय चाहिए योर ऑनर। कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें न्याय दिया था ना, फिर से एक न्याय मांगने के लिए आ गए, ऐसा होता है क्या? योर ऑनर, ये केस लोकतंत्र के खिलाफ है और इससे कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। वो कैसे? ये आदमी इतने पवित्र सामान अगरबत्ती को हाथी के गोबर से बनाता है, इतना गिरा हुआ काम कोई घटिया आदमी ही कर सकता है। That question is the very basis of this case. ये हो सकता है, कुछ साल पहले ये यहाँ रोज आया करता था अपनी टेक्नोलॉजी साबित करने। तुम ही वकील थी ना? Yes, Your Honor. मैं वही सबूत एक बार फिर से पेश करना चाहती हूँ। इस लिस्ट में RIPA, RIPB और ADB के सामूहिक हड़ताल से मेरे क्लाइंट को जो नुकसान हुआ है सब लिखा है। Hereby submitting. टाइम, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। इसके लिए 1 करोड़ का मुआवजा मांगना भी कोर्ट का मजाक उड़ाने जैसा है योर ऑनर। उस हड़ताल का मकसद सिर्फ देश के लोगों को सही रास्ता दिखाना था। उसी हड़ताल के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इनकी कंपनी पर हमला किया ताकि हमारे मुवक्किल को बदनाम किया जा सके। क्यों था कुलकर्ण, हसन जो कह रहा है वो सही है ना? नहीं योर ऑनर, जो लोग हड़ताल को नहीं मानते थे उन्हें डराने की कोशिश की गई। ये किस तरह के समाज की बात कर रहे हैं? नॉनसेंस। नहीं योर ऑनर, इसमें लिखा है कि केरला में हड़ताल के दौरान पार्टी द्वारा क्या क्या नुकसान किए गए हैं, और इस लिस्ट में उन अपराधियों के नाम भी है जो इस घटना में शामिल थे। योर ऑनर, उस लिस्ट में लिखा है पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण इस साल अभी तक 13 बार हड़ताल कर चुकी है इन लोगों की पार्टी। उसे पेट्रोल का दाम गिरा क्या? नहीं ना, दरअसल ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हड़ताल करते हैं। कैन यू बिलीव इट? आपको एक बात पता है ऑनर, मुझे इस केस में सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी वाले ने पता है पूरे के पूरे 2 लाख रुपए मांगे थे डोनेशन के रूप में। पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, मिलते ही घर पहुंच जाऊंगा देने के लिए। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैं 5 तारीख से पहले ही गोबर लेकर आ गया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी ऑनर। हमें अच्छी तरह से पता है कि सभी पार्टियों के नेता दिल्ली और हैदराबाद में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। 4 तारीख को ना तो दिल्ली और ना ही हैदराबाद में कोई हड़ताल हुई थी ऑनर। पूरे देश में केवल हमारे राज्य में ही ऐसा किया जाता है ऑनर। ये जब देखो तब हड़ताल कर देते हैं, कहते हैं कि घर पर बैठो और आराम से दारू पीते हुए मजा लो, काम धंधा सारा छोड़ दो। ये सही बात है क्या? आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे योर ऑनर। क्या आप हमें यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए बुलाए हैं? गुस्सा मत करो केसी, ये जो कह रहा है सही कह रहा है ना? एविडेंस टू प्रूव द सेम योर ऑनर। और इसमें RIPA और ADB के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेरे क्लाइंट और उनकी कंपनी को बहुत क्षति पहुंचाई है, और इसमें ईडी वेतुसाबू, पाइलो पोरंजी आदि शामिल थे। आप चाहे तो इन्हें कटघरे में बुला के सवाल कर सकते हैं योर ऑनर। ये सब बकवास है योर ऑनर। क्यों? आप दोनों अगर इस तरह से बात करेंगे तो फिर काम कैसे होगा? केस तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। साबू और पोरंजी को घर नहीं बैठने दूंगा, उन्हें भी कोर्ट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट हियरिंग ऑन 25th। तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। मैंने काफी समय पहले हड़ताल के खिलाफ केस किया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया, पर मुझे यकीन है तुम जरूर कुछ कर लोगे। किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो मुझे जरूर याद कर लेना, संकोच बिल्कुल मत करना। चलता हूँ। ये मास्टर जी इस एरिया के गांधी हैं। हाँ, आज से पहले हम नहीं मिले थे। मेरा नाम केसी मैथ्यूज है। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें कोर्ट में खड़ा कर दोगे। तुमने केसी से पंगा लिया है? अपने अंजाम के बारे में सोचा है? जेल जाओगे? हाँ, जाने दो, वो अपना ही बच्चा है, हम फिर मिलेंगे। पैदा हुए नहीं, मुकदमा करना सीख गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही हाथ सही सलामत है। एक बात कहूं शीनू? हाँ जॉय भाई। तुमने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी ना? हाँ सुनी है। कछुआ जानता था कि खरगोश तेज दौड़ता है, फिर भी उसने दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ में हम भी जीतेंगे। क्या हुआ? क्या यह जरूरी है? शिनू, तुझे डर लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है।
घबराने की जरूरत नहीं। वो कह रहा था कि छिपकली का सर सांप का गोबर और बिच्छू को गौमूत्र में एक साथ मिक्स करके अगर सर पे लगाया जाए तो किसी का भी पागलपन दूर हो सकता है। और एक हम लोग हैं जो हाथी के पैर में फंस कर रह गए। एक महावत की जिंदगी ऐसी होती है। हमारी सरकार को हाथी को दर्शनीय जानवर घोषित कर देना चाहिए और महावत को जिंदगी और पेंशन देनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेच्युटी, लोन, दुर्घटना के लिए बीमा, और ये सब हमें तब मिलेगा जब हम एकजुट होके धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बोलो राजकीय महावत संघ की जय। दादाजी ने इसी जगह के बारे में बताया था। अरे देख कर नहीं चल सकते, दारू मैंने पिए चढ़ी इसको। जय भाई हाँ, यही है वो जगह। वो यही होगा। KAPA, कप्पा की स्पेलिंग क्या होती है जय भाई? एक पी कम लग रहा है ना। पी के सब अंदर हो गए, चलो देखते हैं। आराम से पैर रखना। अरे तुम मुझे मत सिखा। अयप्पन इधर ही क्या? उनसे जरा मिलना है। अभी तो बाहर गए हैं। अभी जो गए वो? एक मिनट जरा। अयप्पन भाई, अगली बार हाथी को मैं तीन दिन के लिए। अयप्पन भाई मैं हूँ। कौन है? मैं जॉय, जॉय थोकलकरण। मेरे दादा का नाम जॉन थोकलकरण। कौन महावत है? कहाँ का महावत है? महावत नहीं है? मेरे दादाजी जॉन थोकलकरण वो साउथ अफ्रीका चले गए। उन्होंने कहा कि अयप्पन मेरे भाई की तो तरह है। तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो ना। हाथी का गोबर है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? महावत संघ का अध्यक्ष हूँ मैं, तुम्हारी यही खड़े खड़े जान ले सकता हूँ। अयप्पन भाई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, मुझे हाथी का गोबर चाहिए। दादाजी ने कहा था आपके पास आऊँ, आप इंतजाम कर देंगे, इसलिए आया। ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ। अगले हफ्ते मैं इस सिलसिले में मिनिस्टर से बात करूंगा। अब साइड दो और हट जाओ। ठीक से लेके चल, नहीं तो बहुत पीटूंगा। मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा चढ़ गई है। बकवास कर रहा है, ये ले। कमाल है जॉय भाई, हाथी के गोबर के लिए मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। हम लोग गलत समय पर गलत आदमी के पास आ गए। हाँ, पी के एकदम टूले सर। लेकिन इसने हमें समय दिया है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। आखिर त्रिशूर के सभी महावतों का नेता है। हवा लगेगी तो नशा बढ़ जाएगा, जल्दी घर पहुँचा दे। इससे बात करें। तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें ढूंढते ढूंढते आधा खाना पच गया। कभी कभी अपना काम कराने के लिए खाना पचाना भी पड़ता है। इस वक्त जो हमारी सहायता कर रहा है उसे भी कानूनी नोटिस मिलेगा। तुमने पार्टी वालों से झगड़ा किया क्या? आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी तो ये मैटर कोर्ट में है। उसके सारे कार्यकर्ता भड़क गए, मैं भी पार्टी का सपोर्टर हूँ। तुम कह रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है? पागल हो गए हो क्या जो पार्टी वालों के खिलाफ केस कर दिया? अच्छा, जब वो लोग मुझ पे केस कर सकते हैं तो फिर मैं उनके खिलाफ क्यों नहीं केस कर सकता? क्यों, मैंने ठीक किया ना शिनू? बिल्कुल, तुमने जो गलती की है ना उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। क्यों शिनू, गर्व की बात है कि नहीं? अच्छा, आपकी पार्टी ने ऐसा किया तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पार्टी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने किसी से वादा किया है कि तुम्हें जरूर मना लूंगा। ये कॉम्प्रोमाइज के लिए कर रहा है, तूने भी वही कहा था। इनका कहना मान लो भाई। हाँ, अब देखिए ना मेरे और पार्टी के बीच में प्रॉब्लम क्या है। मैं आ जाऊंगा, मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे अयप्पन भाई की तरफ से मिलने वाली है, इसलिए समस्या खत्म। मैं बात कर लूंगा, डोंट वरी, आई विल बी देयर। पार्टी का ऑफिशियल ड्रिंक है क्या? चीनी का दाम कितना बढ़ गया है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पार्टी के मुखिया केसी ही पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ये निर्णय लेने में हमने पहले ही देर कर दी है। KFC वाले अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। नेताजी, अगर आपके अलावा कोई दूसरा खड़ा होगा तो उसका जीतना मुश्किल है, ऐसा पार्टी के लोग कह रहे हैं। और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये निर्णय भी ऊपर से पार्टी चीफ का है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने भी अपना योगदान दिया है। अब इस निर्णय से पार्टी के लोगों में मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे केसी को चुनाव में नामांकन के लिए हमने चुना है और हमें ये बात हाई कमान तक पहुंचा कर हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा। सही है। अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, दरअसल जॉय ने हमारी पार्टी पर केस किया था, उसके लिए वो हम सब से आज माफी मांगने आए हैं। माफी मांग लो, जाओ ना। अब हम जॉय को सम्मान के साथ यहाँ बुलाना चाहते हैं। जाओ ना। जाओ ना। कल केस अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर कमेटी ये सोचेगी कि तुम्हें माफ किया जाए या नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी से क्षमा कैसे मांगू, लेकिन इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर आपके पार्टी के लोग कब और कितना मुआवजा देंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मुआवजा देना होगा। मुआवजा देना होगा? अरे तुम जिंदा हो यही तुम्हारे लिए मुआवजा है। चुपचाप माफी मांगो और जाओ यहाँ से। अच्छा,
तो फिर मैं किस बात के लिए माफी मांगू? अरे भाई, पार्टी के खिलाफ जो तुमने केस किया उसके लिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा नेताजी, आपका बेटा अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा है ना? उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आता है? इसी सबसे आता है ना? आपने कहा था ना पैसे लेके मामला सेटल कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं आप। निकालो इसे यहाँ से। मुझे धमकी मत दो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। सुनो, मैं भी घाट घाट का पानी पी चुका हूँ, आकाश से लेकर पाताल तक हर जगह घूम चुका हूँ। अब समझ में आ गया कि आतंकवादी को पैदा करने में किसका हाथ होता है? संघर्ष का ना। यू डू वॉट यू कैन, आई सी वॉट आई कैन डू। ठीक है, फिर मिलेंगे। आप सो गए क्या? सॉरी केसी साहब, आज के बाद मेरा ऐसे कोई संबंध नहीं है। पार्टी जो चाहे कर सकती है। नेताजी, आप कहे तो उसे मार दो। किस बात के लिए? अरे अपना ही बच्चा है, और फिर अगर हम उसे मारेंगे तो वो और आगे बढ़ेगा। अब जो करना है वकील करेगा। तो हम चलते हैं। पहली बार सुना कि किसी के साथ हाथी के गोबर के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। सही कहा है अपन भाई। ऑफिस को दोबारा चालू करने की बात करता हूँ तो मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ती है। मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सच कहूँ तो मैं उस इंसान को नहीं पहचान पाया जो उस दिन संघ की मीटिंग के बाद मिला था। मैं समझ सकता हूँ, उस दिन आपने ज्यादा पी ली थी अपन भाई। याद क्यों दिला रहा है? यही वजह है कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह बैठा हूँ। तुम्हें पता है कि बोतल का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। तुम्हारे दादा और मेरा रिश्ता भी बोतल का ही था। आपका रिश्ता कब से है? जब हम 20 साल के थे तब से रिश्ता बना। फिर धीरे धीरे वो अमीर होता चला गया तो उसकी बोतलें विदेशी हो गई। लेकिन अच्छी बात है कि तेरा दादा मुझे नहीं भूला। बोतल के रिश्ते में पता इतनी शक्ति होती है। अब तो समझा ये बात? अरे वाह, तू तो बिल्कुल अपने दादा के ऊपर गया है। ये ब्लैक टी है। अब इस बात की संभावना नहीं है कि आपसे रिश्ता जुड़ पाएगा, क्योंकि मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अरे इसमें चीनी नहीं डाल सकता था क्या? तो तुम्हें रोजाना कितना गोबर चाहिए होगा? जितना चाहिए उतना मिल सकता है क्या भाई? हाँ। अपन भाई, हाँ। किस्मत अच्छी थी कि हड़ताल के दौरान हमारी मशीन को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जैसे ही माल मिलेगा हम पहले की तरह थोड़ा बहुत प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। यहाँ पर जितने भी महावत है वो सब मेरे बच्चों की तरह है। पर दिक्कत इस बात की कि यहाँ तक हाथी का गोबर कैसे आएगा? अच्छा, सभी हाथियों को गोबर के लिए यहीं पर लाकर रखा जाए तो क्या? अरे ये सही बोल रहा है अपन भाई, हाथी यहाँ से निकलेगा तो यही बांध देंगे, गोबर आसानी से मिल जाएगा। अरे यहाँ पर ढेर सारी जगह है, नहीं तो यही अरेंजमेंट मैं अपनी जगह पर भी कर सकता हूँ। अरे बेटा जो है, क्या रोज रोज ऐसा हो पाएगा? ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा आप ही कोई प्रैक्टिकल उपाय बताइए ना अपन भाई। क्या तुम रोज कोई गाड़ी भेज कर थिरसुर पालघाट रोड से गोबर मंगवा सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें जितना चाहे उतना गोबर मिल जाएगा। वैसे एक गाड़ी थी जो हड़ताल के दौरान तोड़ी गई, उसकी भरपाई अब तक हम लोग कर नहीं पाए। अपन भाई, हाँ। गोबर के लिए रोज रोज गाड़ी भेजना मुनाफे का सौदा नहीं है। जब अयप्पन भाई इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो हम अल्टरनेट डे गाड़ी भेजने के बारे में सोच सकते हैं। तुम जैसा चाहो, जॉन के पोते के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। अयप्पन भाई आप बहुत मदद करने वाले इंसान है। दादा के साथ आपका बोतल का रिश्ता था तो मेरे साथ गोबर का रहेगा। बिल्कुल। तुम कब आए? Hey, अपनी सैलरी से एक गाड़ी लोन पर ले सकती हो? BMW चाहिए या कुछ और? काम के लिए एक छोटी गाड़ी की जरूरत है ताकि मैं अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर सकूं। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो जॉय? बस इस महीने रुको, इस मंथ के एंड तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हुई ना बात अनु। चाय चाहिए? लॉरी, एक छोटी सी लॉरी की जरूरत है मुझे। गाड़ी चुरा ले क्या? मेन रोड पे रात को कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं? तुम्हारे पिताजी यही काम करते हैं। पागल लड़की। ये कैसा लेटर है? बोर्ड से आया क्या? साउथ अफ्रीका। ये तो दादाजी का लेटर है। अब ग्रेसी जी पूरी दुनिया घूम लेने के बाद चांद पे जाने का प्लान कर रही है क्या? जरा पकड़ो इसे, अब देखता हूँ कौन सी मुसीबत भेजी है।
ये देखो कितना सुंदर फोटो है। क्या है ये सब? हाँ प्यारे जॉय बेटा, तुम वहाँ पर ठीक तो हो ना? दादाजी सच में बिल्कुल ठीक हूँ, आप खुद हमें मुसीबत में छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर हम दोनों बहुत खुश है बेटा, जिंदगी में खुशियाँ क्या होती हैं ये बात हमको अब समझ आई। इस साल प्लान के मुताबिक क्रिसमस के दौरान हम लोग यूरोप घूमने जाएंगे। पेरिस में ग्रेसी का भाई भी रहता है, तो हो सकता है कि हम लोग वहाँ भी घूमने चले जाएं। ये भी लिख देना चाहिए था कि वहाँ जाकर पान खाएंगे। और अब तक के प्लान के मुताबिक हमारा थिरसुर आने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ की एक सिमेट्री में मैंने और ग्रेसी ने मिलकर एक वीआईपी कमरा बुक किया है। इन लोगों ने तो वीआईपी कमरे में बुकिंग की है। तुम्हें भी करना है, आगे पढ़ो। यहाँ पर जितना खर्चा हो रहा है वो तो ठीक है, मगर उसमें से बचाकर मैंने एक चेक इस लेटर के साथ भिजवाया है, वो तुम्हारे लिए है। हा? चेक कहाँ है, किधर है? अच्छा ये यहाँ पर है, देखता हूँ। ओए 4.5 लाख रुपए! ओए मेरे दादा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम अपने बिजनेस में बहुत कामयाब होगे। मेरा भी यही सपना है बेटा। ऑल द बेस्ट, प्यार भरा आशीर्वाद, तुम्हारा दादा। लव यू दादा। आपका सपना पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखा मेरे दादाजी कैसे हैं? अब तुम देखना मेरा जलवा में क्या करता हूँ। लॉरी तो मैं कल ही जाकर खरीद लूंगा। दादाजी आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। अरे ऐसे क्यों बैठे हो, जाकर कुछ खा लो। नहीं भाई, आजकल भूख ही नहीं लगती, सीधा रात में ही खाऊंगा। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। शेनू देख, जैसे कोई भूखा कुत्ता रोटी के लिए बैठा है। जॉय भाई कभी कभी वो बहुत गुस्से में आता है, उसे प्यार से हैंडल करना। सुना है अस्पताल से आने के बाद वो दिन रात यहीं पर पड़ा रहता है और कर्जदारों के डर से वो घर पर भी नहीं जाता। वही कंडीशन तो हमारी भी है। हाथ में हथौड़ा लेकर क्यों बैठा, कुछ तोड़ना है ऐसे क्या? अबे बेटा ए, तू पहले से गोरा हो गया, और मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। आखिर कहां था इतने दिन तू? अंटार्कटिका चला गया था। यहां क्यों बैठा हुआ है? मालिक ज्यादा बातें मत करो, मिलने के लिए कितनी बार पीछे पीछे भागा हूँ, बड़े आए हैं। अरे ये मुझसे मिलने आए, तुझे बताना चाहिए था ना। वो भूल जाता था। चुप, ये कोई भूलने वाली बात है क्या? देखो मालिक, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो, मैं अपने हाथों से कोई खून नहीं करना चाहता हूँ। इतने गुस्से वाली क्या बात है? अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी बनवाने में तुम्हें कितना पैसा लगेगा? अरे गोबर अभी भी लगा हुआ है। पूरे 40,000 रुपए लग रहे हैं, आप पैसे देंगे कि नहीं बोलिए। अच्छा शिनू, हाँ टेक दैट। यस सर। अरे तुम्हारे सर की चोट कहाँ गई, ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। ये लो। ये मेरे लिए है क्या मालिक? तुम्हारे लिए ही है। अब है एक बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ, मेरे लिए काम करने वाले को मैं धोखा नहीं देता। मालिक अब है तुम्हारी गाड़ी पर बैंक का अभी कितना लोन बाकी है? अभी 1.5 लाख रुपया बाकी है, पिछले 4 महीने से 1 रुपया भी जमा नहीं किया। अच्छा ये भी खत्म कर देते हैं, चेक निकाल। इधर आ, ये रख लो, पैसे रखने की सही जगह यही है। अब सही है, लाओ। पूरे 0 है ना, गलत हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। ये लो अपना पूरा लोन चुका देना। अब तो मेरे अरे भगवान, क्या कर रही है? हमारे दुश्मन देख लेंगे, सारा मजा बिगड़ जाएगा। चलो अपने आंसू पोछो। एक बात कहूँ अभय, गाड़ी का लोन खत्म होने के बाद इसका नाम बदल लेना, एक छोटा सा नाम लिखवा देना, पुण्याला अगरबत्ती। बिल्कुल मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसमें समझने की क्या बात है, मैं तुम्हारी गाड़ी खरीद रहा हूँ बस, नहीं तो बैंक वाले उसे लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं मालिक, ये गाड़ी मेरे लिए मेरी माँ समान है। अरे बेचारा। अरे परेशान मत हो, गाड़ी के ड्राइवर तुम ही रहोगे, बस नाम बदल देना उसका, कुछ नहीं। क्या मैं गाड़ी का नाम बदले बिना गाड़ी नहीं चला सकता हूँ मालिक? अरे फिर तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा ना। अच्छा एक बात मुझे सोच कर बताओ, अगर पुण्यालन अगरबत्ती का काम चल गया तो तुम परमानेंट स्टाफ बन जाओगे कि नहीं? डोंट फॉरगेट दैट प्रॉफिट शेयरिंग। जॉय भाई के साथ वैसे ही जुड़ोगे जैसे के साथ नारायण मूर्ति का नाम। वो किस मंदिर के भगवान है? ए तो रुक, अबे सुन,
मैं तुझे शुरुआत में ज्यादा तनख्वाह नहीं दूंगा, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तेरी तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। हाँ चिंता मत करो, बाहर जरूर आएगा। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे रुको। हेलो मिस्टर पापन, इसके करने का कोई टाइम फिक्स है क्या? अब हाथी को गोबर देने के लिए फोर्स थोड़े ना कर सकते हैं, ये सब उसके मूड पर है। तो मूड बनाने को बोलो। मूड कोई पेड़ का फल थोड़े ही है। इसे सोसाइटी में काहे ले आए हैं, अरे समस्या खड़ी हो जाएगी। गार्ड साहब बस थोड़ी देर और। दिखाई नहीं दे रहा यहाँ हाथी बंधा हुआ है? पता नहीं कहाँ कहाँ से गार्ड्स आ जाते हैं, ज्यादा बोलेगा ना तो हाथी पे बिठा दूंगा। वर्गीस भाई बस हो ही गया समझो। अब से तुम यही कहे जा रहे हो। अब आप यहाँ चिल्लाओ मत नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जॉय, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें गाड़ी ले आनी चाहिए थी। अरे गाड़ी है बस थोड़ी खराब हो गई, ठीक हो जाएगी, एक हफ्ता लगेगा। हाँ इनकी वजह से ही खराब हुई है। जॉय भाई हाँ एक आइडिया है। बोल। हाथी को एक अंडरवियर पहना देते हैं, कपड़े में ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और शाम में आकर सामान ले लेंगे, क्या कहते हो? सुनो अपन भाई ये जो कह रहा है वो ठीक लग रहा है। तुम किसी जीव की प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं तेरा आइडिया काम नहीं करेगा। बच्चों की तरह इसका भी करने का कोई समय नहीं होता। जॉय भाई माल बाहर आ गया, देखो क्या बात है। आहा, हाथी महाशय ने अब जाके कृपा की, चलो दे रहा है दुरुस्त है ना सिनु। ये हुई ना बात। अरे वाह, अरे बंद हो गया, शटर डाउन। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, एक दिन में पहाड़ तो नहीं बना देगा ना। अरे वाह कितना भारी है। हमारी मनोकामना पूरी करो। मालिक हम गरीबों पर भी कृपा कीजिए। हम आपका साथ देंगे। हाँ तुम लोगों ने जैसा साथ दिया उससे तो मुझे लगा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। बॉस ऐसी बात मत करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब समझ में आ गया। अच्छा सुनो हा? तुम त्रिप्रयाग जाओ और वहाँ मंदिर के सामने गाड़ी लेकर पहुँच जाना, जितना गोबर चाहिए मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है। जय माता दी। कल अगर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो दादाजी का भेजा हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं पुण्याला अगरबत्ती को नहीं बचा पाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा भाई। यही तो। योर ऑनर, ये आरआईपी के तीनों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरे क्लाइंट जॉय थाकोलकरन की फैक्ट्री में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इडीवेती साबू, पायलो पोरंजी, आयंदोर शिबू। हेलो, इन्हीं लोगों ने तुम्हें मारा था क्या? हाँ योर ऑनर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है योर ऑनर, जब ये लोग मुझे मार रहे थे तो जवाब में मैं भी अपने बचाव के लिए इन लोगों को मार रहा था। इनके बीच में जो खड़ा है उसके पिछवाड़े पर मैंने एक लाठी मारी थी, आप चाहें तो इनके कपड़े खुलवा के देख सकते हैं। साइलेंस साइलेंस, लोगों का पिछवाड़ा चेक करना मेरा काम नहीं है, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो बताओ। इसके पास कोई सबूत नहीं है और जो सबूत दे रहा है उसके आधार पर इस केस को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कारण 4 तारीख को जब हड़ताल हुई थी उसके 1.5 महीने पहले ही इन तीनों आदमियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। प्लीज आवर डिफेंस एविडेंस, जिसमें इन तीनों को पार्टी से निष्कासित करने की बात लिखी गई है, ये वो लेटर है। दिस एविडेंस इज फैब्रिकेटेड योर ऑनर। बिल्कुल सही कहा। इन लोगों ने जब जॉय थोकुलकरण पर हमला किया था तब ये पार्टी के सदस्य नहीं थे, इसलिए इस केस का पार्टी के साथ किसी तरह का संबंध जोड़ना बिल्कुल गलत है, तो इस केस को यहीं बंद करने की इजाजत दे। जब पार्टी वालों ने मारने के लिए नहीं कहा तो तुमने इसे क्यों मारा? हमने कभी किसी को नहीं मारा है। ए, धीरे बोलो, पुरानी बिल्डिंग है। ये कह रहे हैं इन्होंने किसी को नहीं मारा, तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, तो केस को अब खत्म करना ही पड़ेगा। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है योर ऑनर, पार्टी वालों के कहने पर ही इन लोगों ने मुझे मारा था। कोर्ट को सबूत चाहिए मिस्टर जॉय थाकोलकरन, कोर्ट में इमोशन नहीं चलते।
अगर कोर्ट मुझे कुछ कहने की इजाजत दे तो इस बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा हुजूर। कटघरे में आकर कहिए। हुजूर, इनकी पार्टी और इनके वकील जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ही झूठ है। साफ साफ कहिए मास्टर जी। 4 तारीख को जब हड़ताल खत्म हो गई थी, ये तीनों इस महीने की 10 तारीख को आईआईपी पार्टी के साथ बीटी वैगन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। अगर 1.5 महीने पहले ही इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया था तो फिर पार्टी की तरफ से जो आयोजन हुआ उसमें ये तीनों कैसे शामिल हुए थे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल है। जिस प्रदर्शन में ये शामिल हुए थे उसकी मीडिया रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ सब कुछ है मेरे पास। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये गवाही नहीं दे सकते। बिना किसी परमिशन के कोई आदमी कोर्ट में आकर गवाही कैसे दे सकता है? अगर आप नहीं चाहते हुजूर तो आप मेरी बात से सहमत मत होइए, पर मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं ऐसी नपुंसक पार्टी के साथ जुड़कर बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ हुजूर। ये बहुत ज्यादा बोल रहे तुम। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? केस पोस्टपोन, बाहर निकलो इन्हें। नो एंड ऑर्डर। अरे केस कमजोर हो जाएगा। सुनो, बात सुनो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे। जान से मारूंगा। चलो, क्या समझता है तू अपने आप को? हां चलो। सर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये केस मैं जीत जाऊं और पार्टी से मुझे पैसा मिल जाए तो भी मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये बात आज समझ में आ गई। आज तुम्हें हाथी का गोबर चाहिए ना? जितना गोबर चाहिए मैं ला कर दूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। ये देखो तुम्हारा ड्राइवर भी आ गया। नमस्ते। क्या हो रहा है? कुछ नया चल रहा है? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? तुम जाओ, मैं आता हूँ। सीरियस मैटर लगता है, मैं केस में कुछ मदद करूं? बोलो। तुम कहो तो केसी मैथ्यूज और पापन कोतम के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हें ऑफिस से निकाल के दे दूं? अगर तुम ये काम अपने ऑफिस में करोगी तो नौकरी खो दोगी। अनु, मैं सोच रहा हूँ तुम कॉर्पोरेट में हो तो हमें काम करते हैं। हम एक ग्रुप सिम निकाल कर जितने भी महावत हैं उन सभी को दे देते हैं, तो जब भी उनका हाथी गोबर करेगा तो वो अपने साथियों को खबर कर देंगे। जब वो हाथी भूल जाते हैं तो फोन भूलना कौन सी बड़ी बात है? जब मैं महावत था तो मैं भी पीने के बाद कहीं भी सो जाता था और अपने हाथी को भूल जाता था। चलो ना जॉय। मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। काम कल भी तो हो जाएगा ना। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, कम ऑन। चलो, तुमको भी पीनी है? नहीं, मैं चलता हूँ। चलो, चलता हूँ भाई। ओके। इतनी रात को फोन? हेलो शीनू, क्या बात है? कब, कहां से, किस बात के लिए? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अभय को पुलिस ने स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हे भगवान, फिर से एक नई मुसीबत। कहां है वो? उसे अंदर रखा। क्या स्मगलिंग किया? हाथी का गोबर। क्या कहा? हाथी का गोबर। उसे फंसाया गया, उसे जमानत नहीं मिलने वाली। जब केस करने जा रहे थे तो समझाया था अगर मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता। अंदर चल कर देखते हैं। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये लोग मेरे सर पे नागिन डांस करेंगे। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग रोड पर से गोबर उठा लोगे और पुलिस से बच जाओगे? अगर कोई मालिक से बिना पूछे उसका सामान ले जाता है तो पुलिस की भाषा में उसे स्मगलिंग कहा जाता है। क्या तुमने गोबर उठाने से पहले हाथी के मालिक से गोबर उठाने की परमिशन ली थी? मालिक, मुझे बचा लो मालिक। थोड़ा इंतजार करो। याद रखो, एनवायरनमेंट बोर्ड ने कम्प्लेन किया है। सर, हाथी जब रोड पर चलता है तो अपना गोबर भी रोड पर ही करेगा ना, तो क्या आप हाथी को भी गिरफ्तार कर लेंगे? अगर तुम मुझे कानून सिखाओगे तो अंदर कर दूंगा, समझे? जॉय, ये उनकी भाषा बोल रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है सर, इसको जमानत दे दीजिए ना। क्यों? मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। मुंह बंद रख। पार्टी वालों के कहने पर ही ये केस हुआ है, तुम पार्टी वालों से माफी मांग लो, केस खत्म हो जाएगा। मेरा कुत्ता भी उससे माफी नहीं मांगेगा। आपका मन है तो आप उसे कोर्ट ले जाइए, मैं वहां से जमानत करवा लूंगा। चलो वकील यहां से।
चलो चलते हैं। अबे तुम यहाँ आराम करो। मालिक मुझे भी साथ लेते चलो, मालिक ले चलो ना। भाई तुम चिंता मत करो, जॉय भाई सब संभाल लेंगे। हाँ चल जा बे, क्या संभाल लेगा, तुम लोगों के साथ जुड़ने के कारण मेरी जिंदगी भी हाथी के गोबर की तरह हो गई है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो सका तो मैं तुम्हारी माँ को यहीं तुमसे मिला दूँगा। बात हो गई क्या? अब चल निकल यहाँ से, निकल निकल। अरे बाप रे, तुम भी जा रहे हो? ये लोग कानून की नहीं पार्टी की बात मानते हैं। पता होता इतना कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं भी वकील की पढ़ाई कर लेता। तुम देखते जाओ क्या हाल करता हूं इनका। एक बार इन सब को जरा कोर्ट में आने दो, उनकी फोन रिकॉर्डिंग और उनके बयान से देखो मैं उनके साथ किस तरह से खेल खेलता हूं। वकील आ जा शिनू, नानी दादी याद आ जाएगी उनको, समझते क्या अपने को। बस देखते जाओ। जॉय भाई वकील के जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। अरे जाने दो, अभी तो मुझे खुद ही डर लग रहा है, क्या मुसीबत है। आजा। आराम से, आवाज मत करना। चलो 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 आजा आजा, चलो चलो आगे चलो। अच्छी लग रही हो ना? वहीं पर रहना, कदमों की ज्यादा आवाज मत करो। तेरी तो सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। अच्छा वो लोग रोमांस में खोए हुए, उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। हाँ, तुम वहां से चलो इधर। अरे तू जा, चला से ये खोलो। आजा आजा। फोटो मत लो, फोटो मत लो, पार्टी हम दोनों को सस्पेंड कर देगी। मुझे एक फोटो लेने दो। तुम इन कपड़ों में एकदम फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हो। मैं एक फोटो लेने जा रही हूँ। इधर कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा है ना? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? जानू मैं तो डाउट क्लियर कर रहा था। अरे हम जो कर रहे हैं वो सीक्रेट है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वादा करो तुम आज की रात कभी नहीं भूलोगे। इस साल बेटी की पढ़ाई खत्म हो रही है, फिर उसकी शादी करा दूंगी। किससे? मेरी बेटी की तुम्हारे बेटे से, और किससे? अगर तुम अपना वादा भूले मेरा दूसरा रूप देखोगे जो अब तक नहीं देखा तुमने। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। जब हम लोग रिश्तेदार हो जाएंगे तब हम लोग ऐसे ही फैंसी कपड़े पहन के एक साथ खेला करेंगे। ठीक है ना? ये तो वैसा ही है जैसे ओबामा ने बिन लादेन के साथ किया था। इससे कैसे खोलोगे, घुमाना पड़ेगा वो। अरे खुल गया खुल गया। मेरी बेटी ने एक नई फोटो फेसबुक पे डाली है, मैं तुम्हें दिखाती हूं। दिखाओ ना मुझे फोटो, दिखाओ ना। वो देखो वो आदमी औरतों वाली नाइटी पहना है। चुप करो उसे। हेलो भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है? आज ये कमीना जाल में फंस जाएगा। अमेरिका से तुम्हारा बेटा भी फोटो लाइक करेगा। फोटो तो दिखाओ। कौन है वहाँ? बाहर है। अरे चलो उसको निकलते ही पकड़ना होगा। अब हम क्या करें? अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे बाहर जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तुम तो बदल गए। इधर से आएगा, वो इधर से आएगा, मुझे पक्का पता है। छोड़ो मुझे, जाने दो, जानते हो मैं कौन हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं तो तुम कर क्या लोगे? नाइटी तो बहुत अच्छी है, उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया क्या? पुलिस स्टेशन लेकर चलो इसे। नेता बनकर इतना घटिया काम करता है, पूरे त्रिशूर में सबको पता चलना चाहिए। प्लीज मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज कैमरा बंद कर दो, प्लीज प्लीज। केसी सर मुझे माफ कीजिएगा, बाहर आपके लिए बहुत खतरा था इसीलिए लॉकअप में रखना पड़ा। अरे कपड़ा दो बदलने के लिए। अरे लुंगी दे। अरे केसी सर आपके लिए जान हाजिर है, लुंगी क्या चीज है, पहन लीजिए और आराम से पहनिए, आपको कोई खतरा नहीं है।
आपकी गिरफ्तारी के विरोध में हमारे लोगों ने कल हड़ताल भी रखी हुई है। चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो, कुछ होने से पहले हमें बात को दबाना होगा। अरे इलेक्शन भी सर पर है, तुम समझ रहे हो ना? मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए सर, अगर मेरी फोटो छप गई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अरे केसी सर, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। केसी सर, बाकी नेता तो इससे भी बड़े बड़े कांड करके कूल रहते हैं, फिर आप क्यों नहीं? अभी मैं ये पहनने के लायक नहीं हूँ केसी सर, मेरा यह शरीर आपके लिए समर्पित है, ले लीजिए। बैठिए केसी सर। तुम नहीं चलोगे? सबसे पहले मैं चर्च जाकर आपके लिए मोमबत्ती जलाऊंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो, माफ करो, तवा नहीं देख सकता, मैं भी मर जाऊंगा। एक बार माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। इन्हें सीधा पार्टी ऑफिस लेकर जाओ। अच्छा है, अब भगवान का यही काम रह गया है कि बलात्कारियों को बचाते रहें। एक भी न्यूज बाहर आने वाली नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला। केसी कोई भीगी बिल्ली नहीं है, बहुत पावर है। तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन करूंगा। अरे इतने कम पैसे दिए? तुम जो न्यूज लेकर आए हो वो कोई बहुत बड़ी न्यूज तो है नहीं, हमें कुछ अलग तरह की न्यूज चाहिए। जाओ तुम, मैं फोन करूंगा, किसी को पता ना चले। जाओ। ठीक है। हमें 2 दिनों बाद सारे सबूत लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। क्या हुआ जॉय भाई? है उन सबके कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों के पास बहुत पैसा और पावर है। शिनु, दादाजी ने जो पैसे भेजे थे उनमें से अब कितने बचे हैं? क्या काम है जॉय भाई? जिस खरगोश के सोने का इंतजार है वो नहीं सोएगा, कछुए के पास ये लास्ट चांस है। मैं एक अहम फैसला करने जा रहा हूं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने अभी अगर कुछ नहीं किया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये बात दिमाग में रख लो। क्या जॉय भाई? बताऊंगा तुम्हें। त्रिशूर में अनिश्चितकालीन हड़ताल, हे भगवान कोई समस्या नहीं होने देना। लाओ मैं चिपकाता हूँ। अब ये खेल राजनीतिक रंग ले चुका है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये चिपक क्यों नहीं रहा है? जॉय भाई, पोस्टर चिपका दिया है, क्या ये पोस्टर देखकर कल लोग हड़ताल के समर्थन में आएंगे? थोड़ा टेंशन हो रहा है। ये हमारा पहला कदम है, अब हमें ये करना है कि न्यूज के माध्यम से बात चारों तरफ फैल जाए। ये होगा कैसे? वो हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ क्या हो रहा है? अरे सरला बहन, आपको पता नहीं क्या, कल हड़ताल है। कल रात पुलिस ने केसी मैथ्यूज को औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसे लोग राजनीति में आ गए तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सही बोली। हेलो, मैं नहीं आ पाऊंगी, कल सुबह से ही हड़ताल है, मैं घर जा रही हूँ। चलो। ऐसे काम करने में सुसु करने का भी टाइम नहीं मिलता है। अब देखते रहो काम कैसे होता है। बस सुबह तक का इंतजार करो बेटा। काफी खर्च करके ये टेप लेकर आया हूँ, अब ये टेप किसी भी चैनल वाले को नहीं मिलेगा। अरे सुनो, इसे हम पार्टी के लॉकर में सेफ रखेंगे। इधर दो, ये कोई अवार्ड जीतने वाला वीडियो है, तुम और तुम्हारा ये टेप। ए लड़के, ये बताओ कहीं वो लोग इस वीडियो को YouTube पर तो नहीं डाल देंगे? YouTube? ये कैसा ट्यूब है? अरे तुम्हें तो पता है ना YouTube? हे ईश्वर, YouTube पर? हाँ, तब तो अमेरिका में मेरा बेटा भी देख लेगा। कैसी, अब ये बात तो तुम्हें उस औरत के घर जाने से पहले सोचना चाहिए था। गृह मंत्रालय तक ये बात पहुंच जाएगी क्या? ये लो कर लो बात, मेरा मुंह मत खुलवाओ कैसी, नाइटी कांड की बात तो पहुंचेगी ही। अगर ये बात पेपर में छक गई तो बेहतर होगा, तुम फांसी से लटक कर मर जाओ। अरे पेपर भी आ गया, पहले मैं देखूंगा। देखो कहीं बात छपी तो नहीं। अरे
मुझे देखने दीजिए। अरे मुझे मुझे देखने दो, देखने दीजिए। चलो फ्रंट पेज पर छपा है क्या? नाम नहीं है। रुको लकी हो। ओह फ्रंट पेज पर तो नहीं है। इसमें भी नहीं है। अब हाँ दिखाओ। हाँ देखते हैं। इस पे भी नहीं है। हाँ हड़ताल नोटिस जरा देखिए तो। अरे केपीएसी, ये क्या बला है भाई? इसमें तो तुम्हारी फोटो छपी है, ये किसने किया है? तुम पार्टी का बंटवारा करना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हे भगवान, ये खबर अब मेरी फैमिली तक पहुंच जाएगी। केसी, तुम मेयर बनने की लालच में मत पड़ो। उससे तो अच्छा ये होगा कि शहर छोड़कर चले जाओ, पार्टी के लिए भी सही रहेगा। त्रिशूर के प्यारे नगरवासियों, यहाँ के हमारे महान नेता केसी मैथ्यूज सर को पुलिस ने झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मीडिया भी उन्हें बदनाम कर रही है। इन सब संगठनों के विरोध में केपीएसी पार्टी ने हड़ताल घोषित की है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस हड़ताल को सफल बनाएं, हमारी सहायता कीजिए। हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। हाँ बोलो क्या? आज हड़ताल में लोग बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ उनको बता दो। हाँ ओके। ओहो, रोड पर एक भी आदमी नहीं है। अब समझ में आया कि केसी के सपोर्ट में कितनी पब्लिक खड़ी है। इस केस में मैं आपका साथ देने वाला नहीं हूँ, हमारा भी कोई ईमान है। अरे सुनो भाई, ये कहीं भी जाए छुप नहीं पाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, ये कांड अमेरिका में बेटा भी देखेगा। गाड़ी में बैठ जाओ, डंडे से मारूंगा। चलो चलो गाड़ी में। जॉय भाई, हमारा मकसद सफल हो गया। अय्यप्पन भाई और बाकी लोगों को जल्दी बेल मिल जाएगी। इसमें किसी वकील की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हड़ताल जो थी ना, यहाँ तक कि कोर्ट भी बंद था। हाँ मैं उसे माफ नहीं करूंगा, उसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। बेवकूफों की तरह बात मत करो केसी। ओलूर का ये छोटा सा केस अदालत में बिना किसी गवाह के साबित नहीं हो पाएगा। जाओ घर जाके आराम से साबुन लगा के नहाओ। और सुनो, हम उसे कानूनी तरीके से फंसाएंगे, इसी में हमारी जीत होगी। वो चाहे जहां भी छुपाओ, उसे निकल नहीं पड़ेगा। जाओ कल कोर्ट में मिलते हैं। केसी, उसका नेता चाहे किसी भी मान में छिपा हो, वो ज्यादा देर छिपकर नहीं रह पाएगा। समझ गए ना? ये सबूत है जिससे साबित होता है कि ये सभी गुंडे पार्टी वालों ने भेजे थे। मेरे क्लाइंट जॉय थोकलकरण पे हमला करने के बाद इन गुंडों को पार्टी से निकाल दिया गया था। ये पार्टी रजिस्टर की कॉपी है योर ऑनर। कल इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो इस पेपर में लिखी हुई है। प्लीज सी दिस योर ऑनर। अच्छा वही है, इसे कल ही देख चुका हूँ। केसी और उस औरत के सिलसिले में हड़ताल। इस झूठी हड़ताल के पीछे किसी और का नहीं बल्कि जॉय का हाथ था। इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं होगा मिस्टर जॉय। हमें त्रिशूर के प्रिंटिंग प्रेस से तुम्हारा भेजा गया वो ईमेल मिला है जिसमें इस नोटिस की सॉफ्ट कॉपी है। इतना ही नहीं, कल ओलूर पुलिस ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया उसमें से अधिकांश लोग तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। सच क्या है थुकलकरण? हाँ ऐसा ही है, ये सब मैंने ही करवाया था। ये हड़ताल पूरी तरह से सफल हुई। इसमें केसी मैथ्यू का कोई सपोर्ट नहीं था जो औरत के चक्कर में कहीं छिपा था। हाँ ये हड़ताल मेरे ही आदमियों ने की थी और ठीक वैसी थी जैसी दूसरी पार्टी वाले किया करते हैं। रोज रोज ये लोग बिना किसी काम के हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि रोज जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है उसका क्या होगा। तुम्हें इसके लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। ये सब संभालने के लिए सरकारी तंत्र है मिस्टर जॉय। बट फॉर द टाइम बीइंग, आम जनता में हड़ताल के नाम पर अपना सम्मान बढ़ाने के लिए खुद मिस्टर जॉय ने धमकी दी थी, ये कोर्ट में साबित हो चुका है। और ये हड़ताल करवा के मिस्टर जॉय ने जो अपराध किया है उसके लिए कम से कम इन्हें 3 साल की सजा दी जानी चाहिए, जिससे आगे चलकर कोई इस तरह की गलती करने की कोशिश न करे। इस तरह के लोग हमारे देश और समाज के लिए खतरा हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एस फॉर कैप एक्ट, इस कटघरे में खड़े जॉय थकोलकरण को मैं कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील करता हूं।
That's all, Your Honor. मिस्टर जॉय ने जो हड़ताल किया था वो कानून के अनुसार बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए कोर्ट जॉय थोकल करण को पुलिस कस्टडी में आगे की पूछताछ के लिए भेजने का हुक्म सुनाती है। हमें नेल्सन मंडेला जैसे लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। जेल में आने के बाद ये बात मेरी समझ में आ रही है, लोगों की आजादी के लिए वो 6 फुट की जेल में रहे। हम तुम्हारी बेल कराने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रही। अभी तक नहीं हुई, अगर ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हाँ, क्या हुआ वकील, कोई उम्मीद बनी? जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि अब तुम्हारा केस यहाँ से भेउर में शिफ्ट हो गया है। ये भेर का जेल यहाँ से अच्छा है मास्टर जी? आप भी तो कई बार हड़ताल में शामिल थे ना? उफ, पूरे 3 साल बोर हो जाओगे ना शिनू। ए, तू ऐसे रो क्यों रहा है? सब कुछ पॉजिटिव होगा, तू यहाँ से जाने के बाद शांति से विचार करना, तुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। बाहर आऊंगा तो पुन्यालन अगरबत्ती से भी बड़ा आइडिया लेकर आऊंगा, तो इंतजार करना और हिम्मत रखना। दुख तो मुझे मास्टर जी के लिए हो रहा है, इतने साल का आपका अनुभव और फिर भी आप मेरे लिए कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पाए, मुझे अब जेल में रहना होगा। जॉय, तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। ये बताइए यहाँ पर सही कौन है मास्टर जी? देश को तुम जैसों की जरूरत है। तुम्हारी सराहना तो नहीं करूंगा पर तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं मास्टर जी, कानून और पुलिस सब उनके हाथ में है। चलो ठीक है, मान लिया कि सारी ताकत उनकी तरफ है, पर उनके खिलाफ अगर हम कड़ी आवाज उठाएंगे तो हमें जीत जरूर मिलेगी। मैं उनके खिलाफ आवाज उठाने जा रहा हूँ, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक के लिए मैं आमरण अनशन पर जाने की घोषणा करता हूँ। आंख वाले देखेंगे और कान वाले सुनेंगे। अगर मेरी किस्मत में तंबू के अंदर ही मरना लिखा है तो मैं वो गर्व से स्वीकार करूंगा। न्याय के लिए तुम्हारे साथ हूं। चारा, इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दे क्या? अब है, ये पूरी तरह से भूख हड़ताल है। अच्छा, क्या सारे लोग अन्ना हजारे की ही तरह इनकी हड़ताल को समर्थन करेंगे? ऐसा चाहे हो या ना हो, मगर हम लोगों से उसके लिए जितना हो पाएगा हम उतना जरूर करेंगे। का मकसद केसी ने जो दुष्टता की है उसका पर्दाफाश करना है। जॉय ने बिल्कुल सही किया है। वो कहता था कि उसका लक्ष्य सिर्फ त्रिशूर, केरला या इंडिया नहीं है। अरे भाई, मुझे इस बात का गर्व है कि जॉय का पहला बिजनेस पार्टनर मैं था। जॉय हमारा बच्चा है, हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टर के बारे में तुम्हें नहीं पता क्या? जैसे जैसे दिन बीतेंगे बात फैल जाएगी, जिसका रिजल्ट ये होगा हम चुनाव हार जाएंगे, फंड्स भी नहीं मिलेंगे। जब तक वो बाहर नहीं आएगा मास्टर भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगा। इतना बुरा समय नहीं आया है कि हम उसके सामने हाथ जोड़ें। सफलता हासिल करने के लिए कभी कभी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। हमें ये काम करना ही होगा, हम चाहें या फिर ना चाहें। एक बात सुन लो, मास्टर के उपवास की वजह से KFC वाले ये सोच रहे हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे। उन्हें झटका देने के लिए एक आइडिया है। हम एक ऐसा ट्रंप कार्ड खेलेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा।
होशियार हो। इस हड़ताल को रोकने के लिए तुम क्या चाहते हो? मुझे भी पता है बाहर क्या चल रहा है। इस बिजनेस में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा बैंक लोन पार्टी चुकाएगी। पुण्यालन अगरबत्ती के लिए अब तुम्हें देवसन बोर्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा, पर इसके बदले में तुम्हें आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी की तरफ से लड़ना होगा। जब इलेक्शन में हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा तो हारने का सवाल ही नहीं है। एक तीर से दो शिकार, तुम्हारी समस्या भी खत्म और हम सबका ये सिरदर्द भी। एक बार अच्छी तरह से सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम समझदार हो, उम्मीद है जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लोगे। ठीक कह रहा हूं ना? हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था मास्टर जी। जहर और शराब के बीच एक चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे मास्टर जी? कोशिश करो कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए तुम्हारे पास। जमाना वैसे ही मास्टर जी, हमने जो बाहर गेम खेला वैसा करके जीवन नहीं चलता, बहुत कठिनाइयां आती हैं। अब हमें अंदर रह के इस खेल को खेलने का एक मौका मिला है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं जीत गया तो कम से कम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तो बनूंगा ही, 100%। हमारा बिजनेस बदल जाएगा और मेरी अनु भी खुश हो जाएगी। आज के जमाने के तुम लड़कों की राजनीति मेरी समझ से बाहर है। क्या आपको पता है कि मैंने अपनी अगरबत्ती का नाम पुण्यालन अगरबत्ती क्यों रखा था मास्टर जी? क्योंकि एक महान संत का नाम है। लेकिन मैं गलत था। अब समझ में आया कि संत कौन होते मास्टर जी, जो मुश्किल में आपका साथ दे, जो बुरे समय में दृढ़ता से आपके साथ खड़े रहें, वही असली संत हैं। आप उन्हीं में से एक हैं मास्टर जी, और आपने ये बात सिद्ध कर दी। चलता हूं मास्टर जी, कल मेरा नॉमिनेशन है। अगर जीत गया तो 2-3 सालों में ही त्रिशूर की शक्ल बदल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है मास्टर जी। बेचारा बहुत शराब पीता था, देखो कैसे फुगा हुआ है। आरआईपी की तरफ से केसी सर के मौत की वजह से क्या हम 48 घंटे की हड़ताल घोषित कर दें? शोक मनाने के लिए हड़ताल की क्या जरूरत है? ये सब बदलने के लिए तो मैं नेता बना हूं। अब चलो। आज पुण्यालन अगरबत्ती तरक्की कर रही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है केसी मैथ्यूज का। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम वृक्षारोपण का काम करेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुण्यालन अगरबत्ती अगर इसको स्पॉन्सर करेगी तो इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा।
भाषण बोलकर अपनी अगरबत्ती का ऐड करने लगा। केसी सर के लिए हमने एक भी हड़ताल नहीं की, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ये कैसा न्याय है? इससे केसी सर के आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे तो जॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अभी उसे पौधा लगाने दो, अगले इलेक्शन में हम सब उसे उखाड़ देंगे। बड़ा आया काम करने वाला। भाई तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? देखते नहीं हो जॉय भाई कुछ बोल रहे हैं? जॉय भाई कहा तुमने? अरे तुम पार्टी की वकील हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कार्यों को पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। पुण्यालन, लगता है इस हाथी का नाम रखा है पुण्यालन। अरे यार तुझे पता है ना, ये लोग हाथी के गोबर से अगरबत्ती बनाते हैं। अच्छा, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो शीनू? दोपहर के प्रेयर के लिए स्टॉक तैयार हो गया है ना? हाँ पूरा स्टॉक तैयार हो गया है अनु दीदी। हाँ त्योहार से पहले सब इंतजाम हो जाएगा। अरे भाई ये तो अपना बेबी मजिस्ट्रेट है ना, देखो तो। चलो आओ मिलते हैं। कोट नहीं पहना ना इसलिए। जज साहब, इस हुलिये में तुमको पहचान ही नहीं पाया। हमें आपने पहचाना सर। तुम सबको कैसे भूल सकता हूँ, कैसा चल रहा है धंधा? पुण्यालन अगरबत्ती ने तहलका मचा दिया सर, अब मैं अपनी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर हूँ। अच्छा, और तुम क्या हो? मैं यहाँ का चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर हूँ सर। अच्छा, अयप्पन भाई हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल के कलेक्टर है। आज हर हाल में दो बार गोबर लोड होना चाहिए, मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या मतलब। सर आपने साबु वगैरह के बारे में नहीं पूछा? जूते साफ कर रहा होगा, अब तो वो हमारे साथ ही रहता है। अरे जरा उधर तो देखो, पौधे लगाए जा रहे हैं। जब हमारे मालिक का अच्छा समय आएगा ना तो हम लोगों का भी भला हो जाएगा, मालिक ने वादा किया है। उस लड़के ने तो चौंका दिया। जॉय भाई। हाँ पापन और उसके आदमी बहुत गुस्से में हैं, कुछ गड़बड़ ना कर दें। अरे तो करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये बता शीनू, हमारे नेता और फिल्म स्टार बुढ़ापे में भी जवान रहते हैं, तुझे पता है इनके जवान बने रहने का सीक्रेट क्या है? पैसे हैं तो खुद पर खर्च करके जवान बने रह सकते हो। ऐसा नहीं है बेवकूफ, वो लोग जिस तरह से रोज चुनौती स्वीकार करते हैं वो सीक्रेट है, अगर वो कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। जॉय भाई हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता, क्यों ना इस साल हम लोग एक काम करें, इस बार के त्रिशूर के मेले में हम पुण्यालन अगरबत्ती की तरफ से एक स्टॉल स्पॉन्सर करें तो कैसा रहेगा? 5 साल और इंतजार करो, फिर सारे त्रिशूर में पुण्यालन अगरबत्ती की ही खुशबू आएगी, देखना तू। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं खुशी से मर जाऊंगा। देख हमारा पुण्यालन कितना स्मार्ट लिख रहा है। अब तो ये कंप्लीट पॉजिटिव दिख रहा है।